ओके, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमने अभी तक कूलम्स लॉ को स्टडी किया थ्योरी में। पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट चार्जेस में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे लगता है, कूलम लॉ को कैसे यूज़ करना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे लगाना है, ये भी हमने डिस्कस किया। फिर पॉइंट चार्जेस करने के बाद हमने कुछ एक सब्जेक्टिव शीट शुरू की थी और मैंने ऑब्जेक्टिव शीट का भी होमवर्क दिया था, आज उसकी डिस्कशन होनी है। और फिर नेक्स्ट लेवल कुछ कंपटीशन का आज कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो आज उसको शुरू करेंगे। और एक और होमवर्क एज एन असाइनमेंट मैं आपको दूंगा जो आप ट्राई करके आएंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपकी जो बुकलेट है उसमें शीट नंबर 2 गिवन होगी, और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो लोग प्लीज़ प्रिंट आउट बुकलेट का इंस्टीट्यूट से कलेक्ट करेंगे। तो शीट नंबर 2 में ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम कर लिया था। हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया था जब क्यू चार्ज कहाँ पे रखें, इक्विलिब्रियम हो, ये डिस्कशन हमने की थी। हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्यू चार्ज को कैपिटल क्यू मिड पॉइंट पे रखा ताकि सारे चार्जेस किस में रहें, इन इक्विलिब्रियम, ये भी डिस्कस किया था लास्ट टाइम। एक्सेलेरेशन वाला क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। अब ये करने के बाद एक क्वेश्चन था, ये आपकी शीट का भी क्वेश्चन था, कई लोगों को डाउट भी हो सकता है, वो क्लियर हो जाएगा अभी। एक क्वेश्चन था जिसमें फ्री पिथ बॉल है ऑफ 8 ग्राम मास कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5×10⁻¹ कूलम। तो पिथ बॉल एक ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर चार्ज स्टे कर सकता है, चार्ज रुक सकता है। तो एक चार्ज्ड बॉल है जिसका आपको चार्ज गिवन है। नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट वुड बी गिवन टू द सेकेंड पिथ बॉल, एक और पिथ बॉल है जो 5 सेंटीमीटर वर्टिकली बिलो नीचे रखी गई है फॉर्मर, सो दैट अपर बॉल इज स्टेशनरी। तो कहने का मतलब एक पिथ बॉल हवा में है कुछ इस तरीके से ए, दूसरी पिथ बॉल 5 सेंटीमीटर नीचे है, कहाँ पर, यहाँ पे, सच दैट ये जो पिथ बॉल है वो रेस्ट पे है, हवा में रेस्ट पे है। कोई बॉल हवा में रेस्ट पे कैसे आ सकती है, कौन गिरेगा इसे, इसका वेट, इसका वेट कितना है, एमजे। क्यों नहीं गिरेगी, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो सेकंड पिथ बॉल पे भी चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ताकि मैं ये चाहता हूं कि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करे, रिपेल, और ये फोर्स ऑफ रिपल्शन इस वेट को क्या कर जाए, बैलेंस, और ये हवा में स्टेशनरी रहे। तो ये चार्ज मान लो Q2 है जो मुझे निकालना है, उसने नेचर भी पूछा, तो इसका नेचर पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव, ताकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करे, रिपेल करे। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो अगर इसका चार्ज Q2 है और ये 5×10⁻¹ है, तो इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगी, 1/4πε0 Q2×5×10⁻¹ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये फोर्स अगर इसके इक्वल हो जाएगी तो ए स्टेशनरी रेस्ट पे रहेगा। तो यही क्या एग्जैक्टली, तो वेट को इसके इक्वल कर दिया, मास पता है, जी पता है, Q2 निकालना है, तो यहाँ से सॉल्व करके Q2 कैन बी कैलकुलेटेड। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, क्या लॉजिक लगेगा इसमें, ठीक। तो एक क्वेश्चन और था CGS सिस्टम के ऊपर बेस था। नॉर्मली हम अपने क्वेश्चन को SI पे करते हैं, पर ये जो क्वेश्चन है ये CGS के ऊपर बेस्ड है, ये शीट के अंदर भी था, कई लोगों को डाउट भी हो सकता है उसमें, तो मैं ये यूज़ करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि CGS में कैसे यूज़ करना है। CGS सिस्टम में फोर्स का फॉर्मूला क्या था, 1×Q1Q2/r2 अगर मीडियम क्या है, वैक्यूम। अगर मीडियम वैक्यूम नहीं है, कोई और मीडियम है जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो उसमें फोर्स का फॉर्मूला 1×K×Q1Q2/r2 बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा ये मैंने सिखाया, अगर मीडियम SI है, SI सिस्टम में वैक्यूम के अंदर फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, 1/4πε0 Q1Q2/r2। और अगर ये वैक्यूम की जगह कोई और मीडियम हो तो यहां पर ε0 की जगह εm हो जाएगा, ये भी सिखाया। फिर ये सिखाया कि डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, εm/ε0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके εm क्या आएगा, K×ε0, तो εm की जगह ये रिप्लेस कर देंगे K×ε0। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसी भी दो चार्ज का जब वो किस में पड़े होंगे, इन अ मीडियम और SI सिस्टम में। तो क्या ये रूल क्लियर है यहाँ तक, εm की जगह रिप्लेस कर देना है K×ε0। अब ये SI सिस्टम की बात हो रही है, अगर मैं सिस्टम ऑफ यूनिट CGS बोलता हूँ तो
तो सी जी एस के अंदर 1/4πε0 को क्या पुट कर देते हैं, 1। तो जब मैं 1 पुट करूंगा तो ये फॉर्मूला डराइव हो गया जो मैंने यहाँ लिखा। तो आज के बाद अगर सी जी एस सिस्टम की बात करते हैं, सी जी एस सिस्टम में वैक्यूम की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला, और अगर सी जी एस सिस्टम में मीडियम की बात करते हैं तो के एक्स्ट्रा लगेगा, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो ये फॉर्मूला क्लियर है। इस फॉर्मूले के ऊपर ये क्वेश्चन आपको शीट में दिया हुआ था, आप एक बार चेक करें। फोर्स बिटवीन टू इक्वल चार्जेस प्लेस्ड इन अ मीडियम एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर इज 16 डाइन्स। अब डाइन्स का मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट सी जी एस है। कह रहे दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस 9 सेंटीमीटर अपार्ट हैं और फोर्स उनके बीच में कितनी है, 16 डाइन है। चार्जेस क्या है मुझे पता नहीं। आगे हाँ, इक्वल चार्जेस हैं क्यू एंड क्यू। अब वो कह रहे हैं कि ऑन इंक्रीजिंग वन ऑफ द चार्ज बाय 56 स्टैट कूलम। तो अगर एक चार्ज Q और Q था, दूसरा Q था, तो एक चार्ज को बढ़ा दिया Q प्लस 56 और सेकेंड चार्ज को हमने कुछ नहीं किया। तो क्या कह रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी चेंज्ड बाय 3। पहले डिस्टेंस कितना था 9, अब कितना हो गया चेंज बाय 3। अब या तो 9 प्लस 3 होगा या 9 माइनस 3 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो 9 प्लस 3 या 9 माइनस 3 इन ऑर्डर टू कीप फोर्स बिटवीन देम सेम। वो कह रहे हैं फोर्स चेंज नहीं होगी, आप चार्ज को चेंज कर रहे हो सेकंड केस में, डिस्टेंस को भी चेंज कर रहे हो, लेकिन फोर्स रिमेनिंग दी सेम। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। पहला रूल, ये सिस्टम ऑफ यूनिट क्या यूज कर रहा है, सी जी एस। ये पॉइंट क्लियर है, सी जी एस। और इसके अंदर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन वैक्यूम का नहीं है, ये किसी मीडियम का क्वेश्चन है। तो सी जी एस सिस्टम में मीडियम का फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, ये लगेगा फॉर्मूला। पहले केस में क्या गिवन है, चार्ज दोनों का सेम गिवन है, क्यू एंड क्यू, क्यू एंड क्यू। फोर्स क्वेश्चन में कितनी लेने को कहा गया, 16। तो फोर्स मैंने कितनी ले ली, 16 डाइन्स, डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर, फॉर्मूले में पुट कर दिया 16 इज 1/k, क्यू 1 क्यू 2 क्यू इन टू क्यू बाय 9 स्क्वायर। केस नंबर 1 क्लियर। केस नंबर 2 में वो कह रहा है कि एक चार्ज को तो रखा सेम, दूसरे चार्ज को इंक्रीज बाय 56, तो इंक्रीज बाय 56 कर दिया, तो एक क्यू तो दूसरा क्यू प्लस 56। अब वो कह रहा है कि फोर्स रिमेनिंग द सेम, फोर्स पहले भी 16 अब भी 16, तो डिस्टेंस कह रहा है चेंज कर दो बाय 3। डिस्टेंस पहले कितना था 9, चेंज बाय 3 का मतलब या तो 9 प्लस 3 या 9 माइनस 3। अब मुझे कैसे पता लगा कि 9 प्लस 3, क्योंकि वो कह रहा है कि फोर्स पहले 16 थी, फोर्स अब भी 16 है, चार्ज एक बढ़ा दिया तो न्यूमिनेटर बढ़ गया। अगर न्यूमिनेटर बढ़ा तो डिनोमिनेटर को भी बढ़ाना ही पड़ेगा ताकि फ्रैक्शन रिमेन्स सेम। उसने कहा ना कि आंसर तो 16 ही आना चाहिए, तो फ्रैक्शन तो 16 ही रहेगी, आंसर 16 रहेगा। ऐसा तभी हो सकता है व्हेन यू इंक्रीज द न्यूमिनेटर यू ऑल्सो इंक्रीज द डिनोमिनेटर। तो इसलिए 9 + 3 यूज किया, 9 - 3 नहीं यूज किया, बस दो इक्वेशंस हो गई। इन दो इक्वेशंस को डिवाइड कर लेंगे या इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो Q भी आएगा और K भी आएगा। Q कूलम में नहीं आएगा क्योंकि सीजीएस सिस्टम है, Q किस में आएगा, स्टैट कूलम में आएगा, और K डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के यूनिट्स नहीं होते। फोर पॉइंट क्लियर है, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस यस सर। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन था, शायद लास्ट टाइम मैंने बताया भी था, मुझे याद नहीं है, बताया था ये Q1 प्लस Q2 वाला बताया था, जिसमें दो चार्जेज हैं उनका सम 9 है और एक चार्ज अगर Q है तो दूसरा 9 - Q है। ये लास्ट टाइम क्लास में हमने डिस्कस किया था वैसे इसमें, ठीक है, ओके। इसके बाद आपकी जो शीट चल रही थी अभी, जो सब्जेक्टिव शीट है, जो होमवर्क थी, तो हमने सब्जेक्टिव शीट नंबर 1 के ये क्वेश्चन लास्ट टाइम क्लास में कर लिए थे, जो मैं दिखा रहा हूँ, ये सब हो गए थे। और यहाँ से कितने लोगों को इस क्वेश्चन में डाउट है? ओके, डाउट है। क्वेश्चन है कि आपके पास अ पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग अ चार्ज ऑफ -Q1 स्टार्ट्स मूविंग अराउंड अ फर्स्ट चार्ज Q2 एट लाइंग एट सेंटर। तो Q2 पड़ा हुआ है सेंटर पे, -Q1 किस में घूम रहा है, इन अ सर्कल घूम रहा है। कोई भी अगर पार्टिकल किस में घूमेगा, इन अ सर्कल, तो उसके पास कौन सी फोर्स होगी, सेंट्रिपिटल।
तो सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट, ऐसे ही करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज इस माइनस क्यू को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो जब भी माइनस क्यू घूमेगा तो ये फोर्स हमेशा कहाँ लगेगी? टुवर्ड्स सेंटर। और इस फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? दो होते हैं, या तो MV² बाई आर या MR ओमेगा स्क्वायर। मैं यहाँ पर क्या निकालना चाहता हूँ? टाइम पीरियड। तो मैं यहाँ MV² बाई आर की जगह MR ओमेगा स्क्वायर लगाता हूँ। उसका रीज़न ये है MR ओमेगा स्क्वायर में, क्योंकि ओमेगा को लिखा जा सकता है 2π/T, क्योंकि जो ओमेगा होता है 2π/T। तो मुझे क्वेश्चन में टाइम पीरियड निकालना है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक MR ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा की जगह 2π/T। तो इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो यहाँ पे 2π/T को 4π² बाई t², तो क्वेश्चन में क्या निकालना है? टी। तो इस इक्वेशन में कैपिटल टी एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, आंसर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये पॉइंट भी क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन हमने कर लिया, फ्री पिथ बॉल वाला भी किया हमने, रिपीट है। फिर एक ये क्वेश्चन था, टू इंसुलेटेड कॉपर सेल्स ए एंड बी। ये वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इस शीट का रिपीट है। तो बस एक पार्ट बताना चाहता हूँ कि कोई भी दो सेयर्स हैं सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर की इनकी दूरी है, एंड म्यूचुअल जो इसमें रिपल्शन है वो 6.5 × 10⁻¹⁷ है। तो इस क्वेश्चन में आपको चार्ज गिवन है, आपको इस क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन है। आप सॉल्व करके वैक्यूम में क्या निकाल सकते हो? फोर्स निकाल सकते हो, ठीक है। ए पार्ट आइए, बाकी पार्ट्स हमने रिपीट किए हुए हैं, 16 टाइम फोर्स हो जाती है, ये सब किया हुआ है। इसी की कॉन्टिन्यूएशन में ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में का हिंट मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था, पर मैंने करवाया नहीं था। क्या हिंट था? कि सपोज इन दी अबव प्रॉब्लम, जिसमें अभी हमने फोर्स निकाल ली जिसका आंसर आया था 1.5 × 10⁻²⁺ न्यूटन, वो कहते मान लो इस प्रॉब्लम में थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट, देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकेंड एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम द बोथ। तो कह रहे काम करते हैं, इनिशियली क्या सिचुएशन है? ए के ऊपर चार्ज कितने हैं? Q1। बी के ऊपर चार्ज कितने हैं? Q2। सी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो पहले ये और ये कॉन्टैक्ट में आए, ए एंड सी, ए और सी कॉन्टैक्ट में आए, तो चार्ज डिवाइड हो गया आधा आधा, कितना? Q1 प्लस 0 बाई 2, ये चार्जेस हो गए, इसको तुमने टच नहीं किया। फिर वो कहता है कि अब ए के ऊपर चार्ज हो गया Q1 प्लस 0 बाई 2, सी के ऊपर Q1 प्लस 0 बाई 2, बी के ऊपर Q2। अब वो कहता है इस सी को बी के साथ टच कर दो, सी को बी के साथ किया तो चार्ज फिर आधा आधा हो गया, कितना? Q1 बाई 2 प्लस Q2 बाई 2, तो ये दोनों के ऊपर चार्जेस हो जाएंगे। तो फाइनली ए के ऊपर चार्ज रह गया Q1 बाई 2, और बी के ऊपर कितना हो जाएगा? Q1 प्लस 2 Q2 बाई 4, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे ये आएगा, क्योंकि वो कह रहा है सी को बी के साथ टच करने के बाद रिमूव कर दिया। अब ए और बी के ऊपर नए चार्जेस कितने हैं? ये और ये, ये स्टेप क्लियर है, ए और बी के नए चार्जेस आ गए। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि बताओ इनके बीच में फोर्स क्या होगी? तो फोर्स क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्चार्ज इंटू डिस्चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में आपको Q1 पता है, क्वेश्चन में आपको Q2 पता है, क्वेश्चन में आपको R पता है, सॉल्व करके आंसर कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये स्टेप? यस सर। ठीक सर, बोलो सर। वो जो वो लास्ट में वो रिमूव किया वो वाला स्टेप बता दो, इसमें ये, वो जो लास्ट क्वेश्चन का इसमें ये कहा जा रहा है ए बी सी की इनिशियल सिचुएशन है, पहले सी और ए कॉन्टैक्ट में आए, फिर सी और बी कॉन्टैक्ट में आए, फिर सी को फेंक दिया, ए और बी पे फोर्स निकालो। तो पहले ये दोनों कॉन्टैक्ट में आए तो ये चार्जेस हो गए, फिर ये दोनों कॉन्टैक्ट में आए तो इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, ठीक है। तो ए के ऊपर Q1 बाई 2, बी के ऊपर Q1, बी के ऊपर ये चार्ज, सी को तो फेंक ही दिया, चाहिए नहीं मुझे, तो इनके बीच में फोर्स निकाल दिया आंसर। ओके सर, ठीक, ओके। ये करेक्शन थी, आप शीट में करेक्शन कर लें, उसमें फ्री कुछ पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो एस्टीमेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है उसमें,
अच्छा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके फ्री इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, तो कुछ केमिस्ट्री बेस्ड सी प्रॉब्लम है, फ्री इलेक्ट्रॉन निकाल लो, कुछ ऐसा गिवन है, किसमें 1 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर एंड इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो उनमें नेगेटिव चार्ज क्या होगा ये भी बता दो। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के केस में एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में H2O में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, अपने केमिस्ट्री यूज़ करो, एवोगाड्रोस नंबर बाय 18 करके 1 ग्राम के मॉलिक्यूल्स आ गए, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, टोटल मॉलिक्यूल्स इसके इक्वल हैं 1 ग्राम में, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, इन दोनों को क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई, क्योंकि एक एक वाटर मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल इतने मॉलिक्यूल हैं 1 ग्राम में, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई कर लिया, तो एक इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने हैं 1.6 × 10⁻¹⁹, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा, इसको और इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, टोटल चार्ज आ गया 10⁻³ में आ रहा है क्या, चेक करना, नहीं ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा होगा, 4 आ रहा है, 4, कोई बात नहीं, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक। हालांकि इस टाइप की प्रॉब्लम थोड़ी कम आती है केमिस्ट्री बेस्ड, फिजिक्स खुद ही सफिशिएंट है क्वेश्चन बनाने के लिए, केमिस्ट्री की तो क्या ही करेगा, हेल्प लेगा, इतने वेक्टर वुक्टर के बड़े क्वेश्चन हैं, तो आज के लेक्चर का हाफ पार्ट तो एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा, फिर अगला पार्ट कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है, ठीक। सो ये डन, ये सीजीएस सिस्टम वाला क्वेश्चन था सेम, इस क्वेश्चन में डाउट है, ओके। बहुत सारे लोगों का मुझे व्हाट्सएप भी आया था, सर डाउट है, हम 2:30 बजे आ जाएं, 2 बजे आ जाएं, कोई टेंशन ना लो, क्लास में सारी डिस्कशन होनी ही है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको लॉग इन आईडी बोल रहा था, मैं अब दे ही दूंगा आपको, अभी टाइम लग रहा है उसमें, क्योंकि आज बुकलेट प्रिंटिंग खत्म हुई है हमारी, अब लॉग इन आईडी जनरेशन स्टार्ट होगा, फिर टेस्ट आईडी जनरेशन स्टार्ट होगा, लॉग इन आईडी होंगे तो आपको ये पूरा वीडियो भी रिकॉर्ड में मिलेगा आपको, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई डाउट भी है, और हाँ ये जो शीट्स हैं वो आपने जो ईमेल आईडी अपने रजिस्ट्रेशन गूगल फॉर्म में भरा है तो उसके साथ गूगल ड्राइव शेयर हो जाएगी, तो सारी शीट जितनी भी पूरे साल मिलेंगी, उसकी बुकलेट भी आ रही है एक, तो उसके सारे सॉल्यूशन गूगल ड्राइव पे चले जाएंगे, पूरा साल उसी तरीके से मेंटेन रहेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ताकि आप रिकॉर्ड में उसको देख सकें, ठीक। तो कोई भी नई शीट भी होती है मैं सॉल्व करके हमेशा डालता ही हूँ, ताकि मेरे रिकॉर्ड में आपके रिकॉर्ड में हमेशा रहे। तो इसके अंदर डिस्टेंस बिटवीन इक्वल बॉल्स हैविंग अनलाइक चार्जेस इज 2। अब देखो ना इस क्वेश्चन की क्या प्रॉब्लम है कि अनलाइक चार्ज है, लाइक चार्जेस प्लस एंड प्लस, अनलाइक चार्जेस प्लस एंड माइनस, समझ में आ गया अनलाइक क्या है। और ज्यादातर लोग इसे Q1 Q2 ले लेते हैं, तो अगर माइनस नहीं लिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो अनलाइक है तो एक Q1 है तो दूसरा माइनस Q2 है। कह रहे चार्जेस 2 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, रेडियाई इज लेस देन डिस्टेंस का मतलब पॉइंट चार्जेस हैं, बॉल अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स ऑफ गिवन, तो फोर्स की वैल्यू इसमें गिवन है। तो आपको इस क्वेश्चन में अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल लें फोर्स का, वो गिवन है, ये रहा मैग्नीट्यूड, फोर्स अट्रैक्टिव है, मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके Q1 Q2 मुझे मालूम नहीं है, तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, तो आपको क्वेश्चन में फोर्स पता है, आपको क्वेश्चन में आर भी पता है, तो आपको आर भी पता है, आपको फोर्स भी पता है, तो सॉल्व करके यहां से क्या आ जाएगा, Q1 × Q2 आ जाएगा। तो पहली क्वेश्चन क्लियर है, तो आप इस फोर्स के फॉर्मूले को लगा के Q1 × Q2 निकाल लेना। दूसरा केस है, आफ्टर द बॉल्स हैव बीन कनेक्टेड बाय द वायर एंड रिमूव्ड, यानी कि दो बॉल्स को कॉन्टैक्ट में ले आए, आप सीधा दो बॉल्स को कॉन्टैक्ट में ले आए या कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें, एक ही बात है, वायर से चार्ज फ्लो हो जाता है और चार्ज शेयर हो जाएगा। तो आपने क्या किया, दोनों बॉल्स को जोड़ दिया आफ्टर कनेक्टिंग विद वायर्स, तो एक पे चार्ज कितना है Q1, दूसरे पे चार्ज कितना है माइनस Q2, तो चार्ज एवरेज आउट हो जाएगा, एवरेज आउट होकर क्या आंसर देगा, Q1 प्लस माइनस Q2 बाय 2, तो दोनों के ऊपर यही चार्ज आ जाएगा, Q1 प्लस माइनस Q2 बाय 2, Q1 प्लस माइनस Q2 बाय 2, तो टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये फोर्स की क्या जाएगी वैल्यू। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक, तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई, तो इसके अंदर आपको फोर्स की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, फोर्स गिवन है, कितना गिवन है 20.25 × 10⁻⁵। आपको सेकेंड केस में भी फोर्स गिवन है, तो अगर आपको सेकेंड केस में भी फोर्स गिवन है, आर भी गिवन है, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा Q1 − Q2। लंबी कैलकुलेशन है पर आई होप कि आप निकाल लेंगे Q1 − Q2। तो पहली इक्वेशन आपको क्या दे रही है Q1 × Q2, सेकेंड इक्वेशन आपको क्या दे रही है Q1 − Q2, सॉल्व करके
आपको क्या निकालना है, क्यू वन माइनस क्यू टू पता है, क्यू वन इंटू क्यू टू पता है, क्यू वन क्यू टू निकालना है, आप साइमल्टेनियसली ने सॉल्व कर लें, सॉल्व करके क्यू वन क्यू टू कैन बी कैलकुलेटेड। सॉल्व करने का अपना अपना तरीका, कोई क्वाड्रेटिक बना लेगा इनमें से, कोई नहीं बनाएगा तो लास्ट टाइम आइडेंटिटी बताई थी कि क्यू वन प्लस क्यू टू का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं क्यू वन माइनस क्यू टू का होल स्क्वायर प्लस फोर क्यू वन क्यू टू। तो यहाँ से क्यू वन माइनस क्यू टू पता है, क्यू वन इंटू क्यू टू पता है, सॉल्व करके क्या आ जाएगा क्यू वन प्लस क्यू टू, क्यू वन प्लस क्यू टू आ गया, क्यू वन माइनस क्यू टू पता है, सॉल्व करके क्यू वन एंड क्यू टू कैन बी कैलकुलेटेड। आपकी मर्जी है, ये स्टेप ऑप्शनल है, आप अगर इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कैलकुलेशन वाइज थोड़ा ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट वाइज तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। बोलो। देखो, जब आप वायर से कनेक्ट करते हो, आप ये देखो ना एक मिनट के लिए कि आपके पास देखो तो आपके पास क्या है बेसिकली, जब आप इन्हें कनेक्ट करते हैं तो एक चार्ज कितना है क्यू वन, दूसरा चार्ज कितना है माइनस क्यू टू। जैसे एक चार्ज है 10, एक चार्ज है माइनस 10, तो जब मैं इन्हें कनेक्ट करूंगा तो नेट चार्ज क्या आएगा? तो साइन तो लेना पड़ेगा ना कनेक्शन में। अब हमेशा कूलम लॉ के फोर्स के फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड लेते हैं, ये तो नहीं कहा कि जहाँ जहाँ क्यू वन क्यू टू हमेशा मैग्नीट्यूड लेंगे। एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव तो चलेगा ही, उसमें एडिशन है तो एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन है सब्ट्रैक्शन करेंगे। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो इसलिए अगर एक क्यू वन है एक क्यू टू है तो फिर हमें इसका साइन के साथ ही इसे सॉल्व करना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, नेक्स्ट क्या है इसमें? नेक्स्ट इज ये रहा, कितने लोगों को 19th क्वेश्चन में डाउट है? देखो देखो, इस क्वेश्चन में ना आपको क्या गिवन है, आपको ना तीन चार्जेस गिवन है बॉल्स के ऊपर, क्यों 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 क्यों। फिर आपको इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये क्यू 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 है, इनके बीच में डिस्टेंसेस भी गिवन है, ये डिस्टेंसेस गिवन है, ये भी क्लियर है। ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, एफ ऑफ बी सी ऊपर की तरफ, रिपेल करेगा, ये चार्ज इसे रिपेल करेगा। ठीक, अब पहला पॉइंट क्या है इसमें? पहला पॉइंट ये है कि सी ने बी को रिपेल किया इतनी फोर्स के साथ। ठीक, तो ये फोर्स की वैल्यू है क्या? ये फोर्स की वैल्यू है 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू बाई 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे का होल स्क्वायर। तो ये स्टेप सबको क्लियर है, फोर्स गिवन है तो 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू बाई 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके होल स्क्वायर, तो सॉल्व करके क्यू आ गया। अब ये क्यों निकाला? क्योंकि तीनों बॉडीज पे क्यू तो सेम है, तो अगर क्यू आ गया तो इसका भी आ गया, इसका भी आ गया और इसका भी आ गया, तीनों चार्जेस आ गए। फिर वो कह रहा है इस पे नेट फोर्स निकालो। अब नेट फोर्स कौन लगाएगा? ये और ये दोनों लगाएंगे, तो ये चार्ज इसे क्या करेगा? रिपेल। ये चार्ज इसे क्या करेगा? रिपेल। तो ये चार्ज इसे रिपेल करेगा, कितनी फोर्स से रिपेल करेगा? ये चार्ज इसे रिपेल करेगा बाय अ फोर्स ऑफ 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर है? तो आप ये फोर्स निकाल लेंगे ये री, तो अब आपके पास कुल मिला के दो फोर्सेस आ गई हैं। पहली फोर्स कौन सी आ गई आपके पास? जो पहली फोर्स आई वो आई एफ ऑफ ए बी, और दूसरी एफ ऑफ बी सी। दोनों में एंगल कितने टोटल? 90। तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट यही होगा ना, एफ ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ऑफ बी सी स्क्वायर। तो आपको दोनों वैल्यूज पता है, आंसर आ गया। अब क्योंकि फोर्स ऑफ वेक्टर, आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कैसे इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करें, और एंगल ले लें थीटा। तो टैन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू दिस साइड बाय दिस साइड। अब ये साइड क्या है? एफ ऑफ बी सी, और ये साइड क्या है? एफ ऑफ ए बी। तो एफ ऑफ बी सी डिवाइड बाई एफ ऑफ ए सी। तो सॉल्व करके 0.75
तो आंसर टेन इनवर्स 0.75 में छोड़ देंगे। पर आपको पॉइंट क्लियर है कि कैसे इसका रिजल्टेंट निकालना है हमने, कोई डाउट इसमें ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक फिर कूलम लॉ वायलेट नहीं हो जाएगा? डिस्टेंस क्यू वन क्यू टू कहाँ गया? ठीक, तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन। ओके, तो ये शीट ओवर। ठीक है, तो जब हम बोलते हैं कि शीट को ट्राई करना है तो स्टूडेंट उसको इंटरप्रेट गलत करता है। वो ये सोचता है कि सर ने कहा कि सारे क्वेश्चन ठीक करके लाने हैं, तो फिर जो इस एक्सपेक्टेशन के साथ बैठता है कि मैं दो लेक्चर सुन के आया हूँ, मैंने शीट्स भी रिवाइज़ की, मेरे को फॉर्मूले भी आते हैं, अब मैं ये क्वेश्चन कर पाऊँगा, वो जब क्वेश्चन होते नहीं तो उसको कभी कभी लगता है कि यार मेरे को शायद फिजिक्स नहीं आ रही। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब्जेक्ट की नेचर है, हर चीज़ में छोटे 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 प्रैक्टिस इसी बोलते हैं। तो हो सकता है किसी ऑब्जेक्टिव शीट में आपसे, हो सकता है आधी शीट भी सॉल्व ना हो, अभी जैसे कई शीट्स आएंगी ऐसे, हो सकता है 10 में से सिर्फ 3 ही सॉल्व हो, 7 ना सॉल्व हो। तो आपकी ड्यूटी सिर्फ एक है कि आप प्लीज़ ट्राई करके आएँ, आपको ये पता हो एटलीस्ट कि किस क्वेश्चन में मैं कहाँ फंस जाता हूँ, फिर जो डिस्कशन होगी तो उसका सलूशन पता लगेगा कि अच्छा अगर ऐसे फंसूंगा तो ऐसे बाहर निकलूंगा, ये आपका काम है। तो एक दिन देखते देखते ही आपका लेवल एकदम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, लर्निंग बढ़ती जाएगी, फ्रस्ट्रेशन ले आओगे, नहीं हो रहा करते रहोगे, फिर कभी भी नहीं होगा, फिर मन भी नहीं करेगा। जब मन नहीं करेगा नेगेटिव एनर्जी, तो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट्स मोर नेगेटिव एनर्जी, फिर टू नेगेटिव एनर्जी क्रिएट्स 10 टाइम नेगेटिव एनर्जी, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनता है। पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट्स लेस पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव पॉजिटिव जाना मुश्किल है ना, नेगेटिव ग्राफ जल्दी बनते हैं, पॉजिटिव स्लो बनते हैं। तो आप धीरे धीरे काम करें, सिर्फ ट्राई करें अच्छे से, जितने होते हैं इट्स ओके, पर आप जितना भी करें आपको पता हो कि मैंने कैसे किया, धक्का करेंगे कि नहीं बस ऐसे ऐसे कहा था ऐसे हो गया, तो फिर हो जाएगी गड़बड़। तो आप ऐसे एक्सेप्ट ना करें, आप जितना भी काम करें उसमें से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आप उतना भी आंसर दे पा रहे हैं तब भी आप किसी भी पेपर को क्लियर कर जाएंगे। ठीक, जितना भी आप काम करें अच्छा करें। इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, ये वाला। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। ठीक है, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज माइनस Q2 है, तो आपने इन्हें वायर से कनेक्ट कर दिया, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होएगा, वायर में जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो रीडिस्ट्रीब्यूट कॉन्टैक्ट में ले आए, सीधा कॉन्टैक्ट में ले आए या चार्ज के साथ रीडिस्ट्रीब्यूट किया, एक ही बात है, तो हाफ हो जाएगा, दोनों को ऐड करके हाफ, ये है इसका मतलब। ठीक, ये आपकी सब्जेक्टिव शीट थी। सब्जेक्टिव शीट के बाद अब आपकी एक ऑब्जेक्टिव शीट थी। ओके, ये भी हो गई। ओके,
क्वेश्चन नंबर वन में कोई डाउट? ठीक है, वन में डाउट, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, टू में ये सही नहीं किया हुआ, मैं ठीक कर दूंगा इसे। इसके अंदर बस ये बताया गया है कि अगर आपके पास कोई वैक्यूम है, वैक्यूम में फोर्स की वैल्यू, वैक्यूम में फोर्स की वैल्यू एफ नॉट है और मीडियम में एफ एम है। वैक्यूम में फोर्स सबसे ज़्यादा होती है, ये याद रखना है। तो इनकी रेशियो को क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के। तो फोर्स किसी भी मीडियम में जो होती है, दिस इज इक्वल टू एफ नॉट बाई के, और जो के होता है ना वो हमेशा ग्रेटर देन क्या होता है? वन होता है। डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ग्रेटर देन वन होता है हमेशा। तो अगर ये ग्रेटर देन वन है तो फोर्स मीडियम में क्या हो जाती है? वैक्यूम से कम होती है। तो सबसे ज़्यादा फोर्स दो चार्जेस के बीच में हमेशा कहाँ पाई जाएगी? जब चार्जेस किस में होंगे? इन वैक्यूम। अगर ग्लास में डाल दिया, ऑयल में डाल दिया, किसी और मीडियम में डाल दिया, तो आपकी फोर्स हमेशा क्या आएगी? डिक्रीज। क्लियर है यहाँ तक? ये इसका मतलब। नेक्स्ट है, देना पेन करना। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, थ्री में डाउट। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर में डाउट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव, सिक्स, सिक्स नहीं होगा आपसे, नहीं होगा, नहीं होगा, ये गलती से डल गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर का क्वेश्चन डल गया, जो अगला चैप्टर है हमारा, तो ये अभी आप छोड़ सकते हैं, अभी ना करें इसे, राइट, सिक्स ना करें। क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवन के अंदर याद रखें कि जब कोई भी दो चार्जेस हैं और हमने ब्रास की प्लेट को इसमें इंट्रोड्यूस किया, कोई मेटल की प्लेट है, मेटल का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? इनफाइनाइट। तो वैक्यूम अपॉन ब्रास की प्लेट की जो बीच में जो फोर्स होगी इज इक्वल टू डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के, और के बेसिकली क्या है इसमें? इन्फिनिटी, क्योंकि मेटल की प्लेट है। तो एफ वैक्यूम और मेटल की प्लेट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेटल की प्लेट में आंसर क्या आएगा? एफ नॉट बाई इन्फिनिटी, वन बाई इन्फिनिटी क्या होता है? ज़ीरो। तो फोर्स क्या हो जाएगी मेटल की प्लेट में? ज़ीरो। तो जब वैक्यूम में फोर्स सबसे ज़्यादा होती है, ग्लास प्लेट, ऑयल या माइका शीट, ये सब मेटल्स नहीं हैं, तो इनमें आंसर क्या लिखना है? फोर्स क्या हो जाएगी? डिक्रीज, डिक्रीज। और मेटल की शीट डालने के बाद क्या हो जाएगी? ज़ीरो। ये याद रखना है, ठीक। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कंडक्टर की शीट, मेटल की शीट के बाद ये इन ज़ीरो आंसर देगा। एट्थ, नाइन्थ, पता ही इन्फिनिटी है। टेंथ, ये काफ़ी बार यूज़ हो रहा है, तीन बार यूज़ हो रहा है इस शीट के अंदर ये क्वेश्चन, तो एक बार देख लेते हैं और आंसर ख़त्म करते हैं। टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ आर एग्जर्ट्स अ फोर्स एफ ऑन ईच अदर। तो पहला केस क्लियर है कि आर डिस्टेंस है, चार्ज क्यू वन क्यू टू है, फोर्स इसमें एफ है, ठीक है, वैक्यूम का केस पे। अब वो क्या कह रहे हैं? द डिस्टेंस एट विच चार्जेस विल एग्जर्ट अ सेम फोर्स, कह रहे हैं फोर्स सेम रखनी है, फोर्स नहीं चेंज करनी। जब हम उसको चार्जेस को किस में डाल देंगे? इन सम डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम में, यानी कि वैक्यूम हटा दिया, डायलैक्ट्रिक कर दिया, जब डायलैक्ट्रिक किया तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा? एप्सिलॉन एम आ गया, और एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? के। तो एप्सिलॉन एम क्या होता है? के इनटू एप्सिलॉन नॉट, जो यहाँ पुट किया जा सकता है। तो आपके पास फोर्स की वैल्यू वैक्यूम में इसके इक्वल आ गई, मीडियम में इसके इक्वल आ गई। तो फोर्स वैक्यूम में इसके इक्वल है, फोर्स मीडियम में इसके इक्वल है। वो कह रहे हैं डिस्टेंस बताओ सेकंड केस में क्या होगा, तो डिस्टेंस आर नहीं रख सकते, आर की जगह आर डैश हो गया, तो डिस्टेंस आर की जगह आर डैश हो गया, राइट, क्लियर है यहाँ तक? तो ये फोर्स की वैल्यू है जब डिस्टेंस आर डैश है और डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है, ये फोर्स की वैल्यू है जब आर डिस्टेंस है और वैक्यूम मीडियम। वो कह रहे हैं फोर्स तो चेंज ही नहीं करनी, फोर्स रिमेनिंग द सेम, तो एफ और एफ डैश की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, तो इक्वेट करते हैं दोनों केस में। तो पहला वैक्यूम वाला केस और ये वाला केस हमने चेंज कर दिया, इसमें डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट डाला पर आर डैश को भी चेंज किया, तो यहाँ से दोनों को इक्वेट कर लेते हैं और आर डैश की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर सॉल्व करके इसके इक्वल आएगी। फॉर्मूला हो गया आर डैश इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट ऑफ के, बात खत्म। तो ये फॉर्मूला बन गया,
तो इसमें ये दो तीन बार आएगा क्वेश्चंस, तो मैं सीधा फॉर्मूला यूज करूंगा। तो मेथड क्लियर है यहां तक? हाँ कर सकते हैं। एक्चुअली ऐसा है ना, फोर्स की वो तो कर सकते हैं। फोर एप्सिलॉन एम में क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, तो मैंने एप्सिलॉन एम को के टाइम एप्सिलॉन नॉट डाल दिया, तो बात तो एक ही है, फोर्स वैक्यूम में फोर्स मीडियम में के टाइम हो जाती है, तो फॉर्मूला तो वो सेम ही है, वो एप्सिलॉन एम में यूज़ करो चाहे फोर्स में यूज़ करो, फर्क तो है ही नहीं कोई भी, कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी पक्का। बट पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो आर डैश की वैल्यू कैसे चेंज होगी सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, 12। 11 में टू चार्जेस रेशियो ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। एक्चुअली मैं थोड़ा और इलेबोरेट करना चाहिए था, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं Q1 हूँ, आप Q2 हो, तो Q1 पे फोर्स किसने लगाई? Q2 ने। कितनी लगाई? F। तो Q2 ने Q1 पे कितनी लगाई? F। तो F एंड F रेशियो रिमेन्स 1:1। तो कूलम लॉ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, ये इसका मतलब। ठीक। 12th डिग्रीज हो जाएगा। 13th, 13th क्वेश्चन में जितनी भी सिमेट्रिकल फिगर्स हैं जिनमें सिमेट्रिकली चार्ज प्लेस होता है उसके सेंटर पे अगर कोई चार्ज है, नेट आंसर जीरो आता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक सर्कल गिवन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे तीन चार्जेस क्यू 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 को प्लेस किया गया। कैसे प्लेस किया गया? सच दैट दे फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये बन गया। कह रहा है चौथा चार्ज रखा गया इसके सेंटर पे कैपिटल क्यू, तो बताओ कैपिटल क्यू के ऊपर नेट फोर्स क्या लगेगी। रूल नंबर वन, कैपिटल क्यू को फोर्स कौन लगाएगा? क्यू लगाएगा। क्यू कैपिटल क्यू को क्या करेगा? रिपेल। क्यू कैपिटल क्यू को क्या करेगा? रिपेल। क्यू कैपिटल क्यू को क्या करेगा? रिपेल। तो तीन वेक्टर्स क्लियर हैं, पहला वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, तीसरा वेक्टर नीचे की तरफ है, राइट। ये तो रहा पहला पॉइंट, ठीक है। तो ये फोर्स एफ, फोर्स एफ, फोर्स एफ। अब मुझे पता है कि अगर तीन वेक्टर्स हैं, एक दो और ये तीन, और इक्वी डिस्टेंट है मीन्स बिल्कुल सिमेट्री में है, तो ये एंगल क्या होगा? 120, 120 एंड 120, कुछ ऐसा होगा। इसमें सेम ऐसा ही हुआ कि एक फोर्स ये रही, एक फोर्स ये रही, और इनके बीच में एंगल कितना है? 120। तो आपके पास तीन फोर्सेस हैं, एक दो और तीन, तो मैंने डायग्राम को अलग से बना लिया, एक दो और तीन। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? 120। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। और ये रिजल्टेंट कितना आएगा? ये रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर प्लस 2 एफ इंटू एफ इंटू कॉस ऑफ 120। क्लियर है? मेडिकल के लोग याद रखेंगे कॉस ऑफ 120 मैथ्स में क्या होता है? माइनस हाफ। ठीक है, कॉस 120 माइनस हाफ, 2 से 2 कैंसल, तो एफ स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस एफ स्क्वेयर, सॉल्व करके नेट आंसर क्या आ रहा है? एफ। अब आप ये देखो कि इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो नेट आंसर है, इन दोनों को सॉल्व करके नेट आंसर ऊपर क्या आ रहा है? एफ। अब ये एफ और ये एफ आपस में क्या कर गए? कैंसल। तो नेट आंसर क्या आ गया? जीरो। तो ये ना शॉर्टकट है, आप ये ना सोचें कि पेपर में बनाना पड़ेगा आपको। मैं आपको शॉर्टकट बता, आप जब आप ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व करेंगे ना, आपके रास्ते में ऐसे क्वेश्चन आते जाएंगे, और आप बाय लर्निंग आपको याद, अगर आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछेंगे मैं सॉल्व थोड़ा करूँगा, मैंने कर लिया, मेरा पता है आंसर जीरो है। तो आज के बाद अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर चार्जेज हैं और सेंटर पर क्यू चार्ज है, नेट आंसर जीरो। अगर स्क्वायर के ऊपर क्यू 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 चार्ज है, माइनस क्यू नहीं, क्यू 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 सिमेट्रिकल चार्जेज हैं, एक जैसे चार्जेज हैं, सेंटर पर कैपिटल क्यू है, नेट आंसर जीरो। अगर मान लो क्यूब के कॉर्नर्स पे चार्ज क्यू है, सेंटर पे कैपिटल क्यू चार्ज है, नेट आंसर जीरो। अगर हेक्सागन या पेंटागन है उसके ऊपर भी क्यू 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 चार्जेस हैं और सेंटर पे आंसर पूछेगा तो जीरो। सिमेट्रिकली अगर फिगर्स बनी हुई हैं पॉलीगन में या इस तरीके से और सेंटर पे क्यू चार्ज है, आंसर आप देखना हमेशा ज़्यादातर जीरो ही आएगा। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? वो एक्सपीरियंस से पता लग जाएगा, शीट्स में क्वेश्चन आते जाएंगे, ऑब्जेक्टिव बुक्स में आते जाएंगे, तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि आंसर जीरो रहेगा। ठीक, तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में डाउट 14th, 14th में व्हेन अ पीस ऑफ पॉलिथीन इज रब विद अ वूल 2 × 10⁻⁷ माइनस इज डेवलप ऑन द पॉलिथीन। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए होंगे तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया।
कह रहे कितना मास ट्रांसफर हुआ, भाई मास किसका ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का। पहले ये बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, तो उसके लिए क्या फॉर्म लगेगा, क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो क्यू इज इक्वल टू एन ई, चार्ज आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है। कोई कहेगा सर मैं माइनस नहीं लिया, ले लो, अगर आप यहाँ माइनस लोगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस। तो नंबर तो माइनस में थोड़े ना आएगा, नंबर तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ऑब्वियसली इस चार्ज और इस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप सबको पता ही है, सॉल्व करके क्या आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। एक इलेक्ट्रॉन पे मास क्या होता है ये याद रखना है, 9.1 × 10⁻³। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है, इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना मास होगा, इसे एक इलेक्ट्रॉन के मास से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, आंसर। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे पता नहीं आपने कितने लोगों ने सॉल्व किया, इसे कैसे किया, ऐसे ही किया। देखो अप्रोक्सीमेट है, आप अगर सीधे रास्ते से जाएंगे तो फिर कहानी लंबी है। वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि देखो कूलम का फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू 1/4 π ε₀ Q1 Q2 r2। अगर आपका r डिस्टेंस इंक्रीजेज बाय 10% बढ़ गया तो, हाँ एक बात तो पक्की, अगर r बढ़ेगा तो फोर्स कम होगी, तो r बढ़ेगा फोर्स कम होगी, तो आंसर ए नहीं हो सकता, आंसर ए नहीं हो सकता, डिग्री डिग्रीज होएगा। तो पहला तरीका, मैं दो केस बनाऊँ, मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है आर का परसेंटेज चेंज। तो पहले अगर डिस्टेंस आर था, अब आर डैश है, तो चेंज इन आर कितना है, आर डैश माइनस आर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल आर इन 200, ये कितना गिवन है, 10%। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, चेंज इन आर को डेल्टा आर बाय आर इन 200, 10%। क्लियर है यहाँ तक। तो पहला तरीका ये है मैथ्स का तरीका, आप दो इक्वेशंस बनाएं, पहले फोर्स एफ लें जब डिस्टेंस आर है, दूसरा जब डिस्टेंस आर डैश है तो फोर्स एफ डैश बनाएं, ये आपको गिवन है। फिर आपको निकालना है एफ डैश माइनस एफ अपॉन एफ इंटू 100, वो लंबा तरीका है, छोटा अप्रॉक्सीमेट तरीका है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, अप्रॉक्सीमेट दे देगा। आप फोर्स का फॉर्मूला लिखें, क्या दो चीज़ें चेंज हो रही हैं, आर और एफ, बस दो चीज़ें, बाकी सब कॉन्स्टेंट्स हैं। तो आप ना एरर का फॉर्मूला आपने रूल किया था प्लस वन में, एरर्स, एरर्स क्या देते हैं आपको, सीधा रिलेटिव फ्रैक्शन दे देता है, कैसे, डेल्टा एफ बाई एफ, ये सब कांस्टेंट है, इसकी जगह 2 × Δ r/r, याद है एरर्स का रूल था, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दें इसमें, सब कांस्टेंट उड़ गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो परसेंटेज चेंज इन r पता है 10%, 10 × 2 = 20%, तो परसेंटेज चेंज क्या जाएगा, एफ आ जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो फोर्स में परसेंटेज चेंज कैन बी कैलकुलेटेड। लेकिन आप कहोगे सर आंसर तो 20% आया, आंसर तो 17% है। देखो ये मैंने तो कहा ही नहीं कि एग्जैक्ट मेथड है, ये अप्रोक्सीमेट मेथड है, अंदाजे से आंसर देगा। आप कहोगे अगर ऑप्शन बहुत पास पास हो फिर मैथ्स लगाओ, फिर बैठ के करो, उससे सॉल्व क्या कर सकते हैं, पर कोशिश यही रहती है कि अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाए, उससे अच्छा कुछ नहीं है। और उससे उसका जो बेस्ट रूल है परसेंटेज चेंजेस का, वो एरर का रूल है, मतलब एरर का रूल लगाओ, फटाफट आंसर आएगा, डन। ठीक, ये रिपीट है आर बाई रूट के हमने कर लिया, इसके अंदर थोड़ी वो क्वेश्चन क्लैरिटी नहीं है थोड़ी सी, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक धागे के दो कॉर्नर पे क्यू क्यू चार्ज है और ये क्यू एंड क्यू आपस में रिपेल करते हैं, रिपेल करके ये बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, तो एंगल इनके बीच में क्या होगा, 180, बिल्कुल स्ट्रेट रिपेल हो जाएंगे ऐसे, ये इसका मतलब। स्टेटमेंट पढ़ने में कन्फ्यूज़ करती है कि पता नहीं कहाँ चार्ज रखा हुआ है, क्लैरिटी नहीं होती, बट इस तरीके से। पर हाँ, आप अगर मुझे ये कहो कि सर क्या ज़रूरी है कि 180 ही होगा, कि ज़रूरी नहीं है, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और क्वेश्चन दूंगा कि आपको कई क्वेश्चन मिल जाएंगे, अगली शीट में मिलेगा, वो कहेगा एंगल 60 डिग्री है। अब ये तो यार जरूर, वेट भी तो है, मास भी तो है, तो अब ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है फिर तो ये बिल्कुल 180 हो जाएगा, ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है फिर पक्का 180 होगा, क्या इसमें गिवन है, वेटनेस, अच्छा हाँ ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है फिर 180 हो जाएगा, ग्रेविटी का इफेक्ट है तो फिर पूरी तरह खुल नहीं पाएंगे, वेट का फैक्टर भी काम करेगा, तो एंगल 60 कुछ 80 70 कुछ ऐसे बनेगा। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो ये इसका मतलब है। हालांकि बोलो, वेटलेसनेस है तो आपने इसमें ऐसे एंगल क्यों बनाए, वेटलेस, वेटलेसनेस है तो हल्का है, आप एंगल तब बनाते हो ना, आप ऐसे एंगल तब बनाओगे जब उसका भार इतना ज़्यादा है कि उसकी फोर्स उसको रिपेल नहीं कर पा रही, भार उसको रोक के रख रहा है ऊपर जाने से, पर भार तो है ही नहीं,
खोल दो, खुल गए। वो थीटा एंगल पे तब बनेगा जब उसका वेट मास मास लो, तभी तो आपने टेंशन ली, मास लिया। वो अगली शीट की प्रॉब्लम है जो अभी मैंने होमवर्क देने वाला हूँ, उसमें आएगा, उसमें मास भी लेने को कहेगा, फिर 180 का भी आंसर नहीं आएगा। नहीं, वेटलेस का मतलब हल मास लेना ही नहीं है, ठीक है? यहाँ तक सेम है, वही आर बाय रूट के वाला। फर्क ये है कि पहले वो आर और के की फॉर्म में था, इस बार वो न्यूमेरिकल की फॉर्म में है, तो आंसर में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये भी, ठीक है? तो अगर वो नहीं हुआ होगा तो ये भी नहीं हुआ होगा। अब अगर वो समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा, आर बाय रूट के सेम आंसर है। क्वेश्चन 19, ठीक है? 19 क्वेश्चन नंबर 20, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन वही है 16 टाइम जो लास्ट टाइम किया था हमने, चार्ज को डबल कर दिया, डिस्टेंस हाफ कर दिया, तो 16 का फैक्टर बाहर आ गया था, सेम है। क्वेश्चन नंबर 22, 22 में टू पॉइंट चार्जेस, टू एंड सिक्स, ये टू और ये सिक्स, इनके बीच में फोर्स कितनी? 12, 12। तो डिस्टेंस आर है, तो फॉर्मूला फोर्स का क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 × 10 की पावर -6 × 6 × 10 की पावर -6 / r का स्क्वायर। इक्वेशन में 1 क्लियर है। अब वो कह रहा है कि इसमें एडिशनल चार्ज दोनों को -4 माइक्रो कूलम का दे दिया, तो -4 इसमें ऐड करोगे तो -4 इसमें ऐड करोगे तो -2, -4 इसको ऐड करोगे तो +2। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चार्जेस आ गए। अब वो कह रहा है कि इसमें फोर्स क्या होगी ये बताओ। पहली बात, फोर्स अट्रैक्टिव होगी। अब मुझे पता है कि अगर फोर्स अट्रैक्टिव होगी तो उसको नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, या तो ऑप्शन में अट्रैक्टिव लिखा होगा या माइनस या प्लस होगा, माइनस साइन मीन्स अट्रैक्टिव। तो यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स के फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड पुट करेंगे, हाँ माइनस साइन एंड में लगाएंगे टू शो दैट इट इज अट्रैक्टिव। तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इस और इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो ये फोर्स तो आपको 12 पता है, ये फोर्स आपको निकालनी है, कॉन्स्टेंट कैंसिल होंगे तो आंसर 4 न्यूटन विद नेगेटिव साइन, बिकॉज इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर है यहां तक? इस क्वेश्चन में याद रखना, बहुत आता है ऐसा क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का तो याद ही रख लेना, वो कह रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ आर, तो और उनके बीच में फोर्स है एफ, तो एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ई बाई आर स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि टू अल्फा पार्टिकल सेपरेटेड बाय 2 r मीटर डिस्टेंस अपार्ट, तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में दूरी क्या थी? आर। अल्फा पार्टिकल में दूरी कितनी है? 2 r। तो केस नंबर 2 में अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटोन या इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि 2 ही होता है। अगर प्रोटोन या इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है तो अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है ट्वाइस ई, 2 e, ये याद रखना है। तो सेकेंड केस में चार्ज क्या होगा? ई की जगह 2 e, 2 e, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर? आर की जगह 2 r का स्क्वायर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो अब इस इक्वेशन एंड इस इक्वेशन को डिवाइड करके आपका आंसर आएगा, और फोर्स रिमेन द सेम। क्यों? यहाँ से 2 × 2 = 4, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कैंसल आंसर। तो पॉइंट क्लियर है। बस इसमें मेन बात यही है कि आप अल्फा पार्टिकल का चार्ज इसमें याद रखें कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, पॉजिटिव में वो भी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। नेक्स्ट 24th, शीट खत्म, ठीक है, बढ़िया। तो अभी तक हमने जो कूलम लॉ किया वो किसमें किया? पॉइंट चार्जेस में किया। आप सोचो, पहला लेक्चर किसमें किया? पॉइंट चार्ज में। दूसरा लेक्चर किसमें किया? पॉइंट चार्ज में। तीसरा लेक्चर किसमें किया? पॉइंट चार्ज में। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक स्टूडेंट, छोटा बच्चा स्कूल ज्वाइन करता है, उसको सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। फिर अगले दिन टीचर फिर क्या सिखाता है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। तीसरे लेक्चर में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। चौथे लेक्चर में ये सिखाएगा बच्चा, गया मैंने स्कूल नहीं जाना, अब मेरे को आ गया। बिल्कुल वही है, पहले तीन लेक्चर फ्रिक्वेंसी सेट हो रही है ना, नए स्टूडेंट्स भी हैं, पुराने भी हैं, ऑफलाइन भी है, बहुत सारी चीज़ें नई हैं, को बेसिक कोर्स है, सारी ज़िंदगी कूलम लॉ बस पॉइंट चार्जेस पे चलेगा? नहीं, बस पूरी प्लस टू चलेगी, बस पॉइंट चार्ज। हमने क्या सीखा पूरे प्लस टू में? 2 पॉइंट चार्ज हैं, इट अप्लाई द फोर्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बस खत्म भाई। 2 महीने में कुछ तो करेंगे, तो आज से क्या करेंगे? पॉइंट चार्ज छोड़ देंगे।
अब कुछ बॉडीज को लेके आएंगे। जब एक चेंज आता है ना कॉन्सेप्ट में, तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी और बर्डन सी लगती है, नई नई चीज़ें हैं ना, थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है ओह नई चीज़ है, फिर वो तीसरे चौथे लेक्चर में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वो ठीक लगती हैं, फिर एक नई चीज़ और आ जाती है, फिर बंदे को लगता है नहीं यार पुराना ही ठीक था। जैसे प्लस वन में होता था, हम आगे चलते थे, हम जब हम वेक्टर करते थे, वेक्टर यार वेक्टर किया है, फिर फोर्स किया, नहीं यार वेक्टर तो कुछ भी नहीं है, असली तो फ्रिक्शन है ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, फिर वर्क एनर्जी बार कहती है अरे फ्रिक्शन तो कुछ भी नहीं था, ये तो रूटीन है, फिर रोटेशनल करने के बाद लगता है यार मैं कर क्या रहा था अभी, ये तो कुछ भी नहीं था, और फिर पूरी प्लस वन के बाद लगता है कि भाई टेंथ में तो किया गया था, टेंथ में तो टाइम पास इंजॉय करके आए हैं, ठीक है। प्लस टू में ऐसा ही है, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कोर्स ठीक लगता जाएगा, और सक्सेस का मंत्र यही है, जो लोग सीट्स निकालना चाहते हैं, बढ़िया रिजल्ट चाहते हैं, कोर्स को टाइमली समय से पहले ख़त्म करके वो कोर्स आसान हो जाता है। जैसे जैसे आप उसको ट्रैवल करते, कोर्स को ट्रैवल करते हो ना, उसको कवर करते जाते हो, वो कोर्स आसान हो जाएगा। ठीक है कुछ चीज़ें नहीं आएंगी, कुछ आएंगी, 80% समझ में आ गई, 20%, तो सेकेंड टाइम जो रिविजन होती है तो और क्लैरिटी हो जाती है, थर्ड टाइम और क्लैरिटी होती है। जो लोग बार बार पूरे प्लस वन प्लस टू के कोर्स को रेपिटेटिव बार 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 रिवाइज कर करके मॉक टेस्ट PCM के या PCB के देते जाएंगे, 5, 10, 15, 20, 25, उनकी सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितने लेवल का क्वेश्चन किया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सी IIT का क्वेश्चन कर दिया कि अब आपकी मेंस की सिलेक्शन होगी, इसका कोई लेना देना है ही नहीं। आप अगर बेसिक कोर्स को सारे को बहुत अच्छे से कर रहे हैं और रिटेन कर पा रहे हैं प्लस वन प्लस टू, आप आराम से पेपर क्रैक कर देंगे। यही मंत्र है, आपको यही सिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा भी एंड में। प्लस टू करने के बाद बहुत लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि प्लस वन भूल गई, प्लस वन करते हैं तो लगता है प्लस टू भूल गई, फिजिक्स करते हैं तो लगता है यार मैथ्स पीछे रह गया, केमिस्ट्री मैथ्स ठीक होता है तो लगता है फिजिक्स पीछे रह गई, फिजिक्स ठीक करते हैं तो केमिस्ट्री पीछे, ये दौड़ जो है ये चलती रहती है। बस कई लोग हार जाते हैं कि नहीं यार अब छोड़, ये होता ही नहीं है, पीछे पीछे वाला काम ही नहीं करना, अब हो गया तो हो गया। कोई कहता है ऐसे कैसे रह गया यार, चलने दे, अभी नवंबर तक सारे कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं, फिर जो पीछे रह जाता है उसको लोग ठीक कर लेते हैं, और विल पावर तब तक जगा के रखनी पड़ती है ना कि मुझे सीट निकालनी है। ये भी तो प्रॉब्लम है ना, सिर्फ पढ़ाई एक प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है कि आप कितने एक साल तक उस जज्बे को कैसे कायम रखते हैं कि अब मेरे को तो करना ही करना है, करना ही करना है, आसान नहीं है ये। 4-6 अभी तो नया है ना, तीसरा लेक्चर है, तो 30 हो जाएंगे ना, अब सबको पता है, लोग रूटीन में आ जाते हैं, चलो यार ये तो रोज़ का ही काम है, पर वो रील कैसे जगा के रखनी है वो तो देखो आप ही को करनी है। हाँ मैं आपको घड़ी की तरह काम करता रहूँगा, बताता रहूँगा, देखो अप्रैल गया, देखो मई भी गया, देखो जून भी गया, जुलाई, अब सिर्फ 4 महीने रह गए, 3 रह गए, 2 रह, मैं जगाता रहूँगा आपको, बताता रहूँगा कि अब आप इस स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे आपको सक्सेस मिलेगी। कोई कर लेगा, कोई नहीं करेगा। जैसे मैंने कहा अभी प्लस वन को ना छेड़ें, आप कहेंगे क्यों, ठीक तो चल रहा था, अब ठीक नहीं चलेगा ना, 2-3-4 लेक्चर के बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ेगा, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा ऑब्जेक्टिव बुक्स पीछे रहती जाएंगी। ऑब्जेक्टिव बुक्स में तो 200-500 क्वेश्चन होता है, आपको पता ही है, और वो करने के लिए समय चाहिए होता है। और ये जो फिजिक्स का जब खुल जाती है, अभी इतनी खुली नहीं है, अभी सिर्फ कूलम लॉ पॉइंट चार्ज पे चल रहा है। अब बॉडीज आ जाएंगी, शेल्स और स्फीयर के लिए गॉस थ्योरम आ जाएगी, गॉस थ्योरम के बाद तो ठीक ठाक कंटेंट हो जाता है आपके पास करने के लिए। तो और गॉस थ्योरम करने में मुश्किल से 7-8 दिन बाकी हैं, 7-8 दिन के बाद मैं गॉस थ्योरम के ऊपर आ जाऊँगा। तो मतलब आपके लिए कम से कम 150-200 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव रेडी हो जाएगा। मैं आज ग्रुप पे डाल दूंगा आपने कौन कौन सी ऑब्जेक्टिव बुक लेनी है, NCERT के लिए क्या करना है आपने, आप अब उन बुक्स को चाहे परचेज करके उसको कंटिन्यू करें, अपना शुरू कर लें, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में क्या ही लोगे, पर अब तो टाइम, अब तो लोगे लोग, एक चैप्टर क्लोज होने वाला है, तो धीरे 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 करके अपना काम स्टार्ट कर लें, राइट। तो आप अब शुरू करते हैं अपना अगला पार्ट ऑफ लेक्चर, जिसके अंदर अब हम पॉइंट चार्जेस को अब छोड़ेंगे, ठीक है, बॉडीज के ऊपर आते हैं। देखो इसके लिए एक क्वेश्चन है, ये आपकी वैसे सब्जेक्टिव, ये हैंड रिटन शीट नंबर 3 है, और ये ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 2 जो आपको आज मिली है, ये उसका पहला क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 2 आपको जो आज ऑब्जेक्टिव शीट मिली है उसका पहला क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अ चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, ठीक है, कैपिटल क्यू को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया।
एंड देन दे आर प्लेस एट अ फिक्स डिस्टेंस, आर डिस्टेंस पे हमने रख दिया उन्हें, प्रूव दैट फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज ऑलवेज मैक्सिमम. फोर्स की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम जब चार्ज को इक्वली डिवाइड करेंगे. ये प्रूव करना है. कितने लोग कहते हैं कि ये तो देखते ही पता लग रहा है कि हाँ समझ में आ गया, आधा आधा होगा. वैसे ग्रेविटेशन के अंदर भी ऐसा हमने किया था, एक क्वेश्चन मास को डिवाइड करने वाली प्रॉब्लम थी. कितने लोग समझ गए कि हाँ आधा आधे में आंसर आता है? अच्छा नहीं समझे, कोई बात नहीं. ये जो किया हुआ है ना, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है. एक सिंपल, बहुत सिंपल और कॉमन सेंस का तरीका है. क्या तरीका है? तरीका कुछ ये है कि सपोज करो आपके पास कोई क्यू चार्ज है, ठीक है. मान लो आपके पास कोई क्यू चार्ज है, राइट. देखो ये क्यू चार्ज है, मान लो कैपिटल क्यू चार्ज 10 कूलम है बस, ठीक है. मैंने इसके दो हिस्से करने हैं, वो आपकी मर्जी है आप क्या हिस्से करोगे. एक और नौ कूलम करो, दो और आठ कूलम करो, जो भी करो आपकी मर्जी है. बताओ कैसे डिवाइड करूं ताकि डिस्टेंस आ रही रहे, ताकि फोर्स मैक्सिमम रहे. तो फोर्स मुझे क्या चाहिए इसमें? मैक्सिमम चाहिए. फोर्स शुड बी मैक्सिमम. क्लियर है? तो चलो मैंने सोचा कि इसको 1 कूलम और 9 कूलम में डिवाइड कर देते हैं. फिर किसी ने कहा नहीं सर 2 कूलम और 8 कूलम कर देते हैं, 3 कूलम और 7 कूलम कर देते हैं, 4 कूलम और 6 कूलम कर देते हैं, 5 कूलम और 5 कूलम कर देते हैं, 4 कूलम और 6, तो सेम हो गया. चलो रिपीट हो जाएगा तो पैटर्न. अब मुझे पता है जो फोर्स है उसकी वैल्यू 1/4πε0 Q1 into Q2 divided by R square. अब R तो इसमें चेंज होना नहीं, तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के प्रोपोर्शनल है, मानते हो. तो जिसका Q1 Q2 का मल्टीप्लीकेशन सबसे ज़्यादा आएगा, फोर्स उसमें सबसे ज़्यादा आएगी. जैसे ये Q1 ये Q2, ये Q1 ये Q2 करके देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 9. इन दोनों को करते हैं तो 16, इसको करते हैं तो 21, इसको करते हैं 24, और इसको करते हैं 25, और इसको करते हैं 24. तो मैक्सिमम कब आ रही है? 5-5 पे, यानी कि 10 कूलम को किसमें डिवाइड किया? आधे आधे में. तो फोर्स क्या आएगी? मैक्सिमम. तो ऐसे अगर मैं ये पूछूं कि कैपिटल क्यू चार्ज है तो इसको कैसे डिवाइड करूं ताकि फोर्स क्या आए? मैक्सिमम. तो आंसर क्या होगा? Q/2 and Q/2. क्या है पॉइंट? क्लियर है ऑनलाइन वालों को? क्लियर है? यस यस सर. ठीक है, ये तो था एक कॉमन सेंस का तरीका. बुक्स इसको ऐसे ऐसे नहीं करते, किताब इसे करती हैं बाय द मेथड ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. अब जिस स्टूडेंट को मैक्सिमा मिनिमा सीखना है, नॉन मेडिकल वालों को तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि मैथ्स के अंदर कैलकुलस उनका स्टार्ट हो जाएगा और मैथ्स वाले टीचर उनको बहुत ही बढ़िया तरीके से मैक्सिमा मिनिमा करवाएंगे. और मैक्सिमा मिनिमा बहुत डिटेल में है तो उनको तो ये तो वो तो मेरे को सिखाएंगे कि कैसे करना है. मैं तो फिर भी बेसिक यूज़ करता हूँ, मतलब इतना सिखा देंगे. जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको तो कोई नहीं सिखाएगा. उनको तो मैंने प्लस वन में बताया था, एक लेक्चर दिया था मैक्सिमा मिनिमा का, फोर्थ चैप्टर प्रोजेक्टाइल के बाद. जो नए स्टूडेंट्स हैं अगर उनको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है मैक्सिमा मिनिमा का तो ठीक है, उनको समझ में आएगा. नहीं पता तो मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको मैक्सिमा मिनिमा की 30 मिनट्स की रिकॉर्डिंग दूंगा, आप बस वो सुन लें. जहाँ भी मैक्सिमा मिनिमा फिजिक्स में आएगा ना, आपका कम से कम क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस इतना सा है. अब देखो ना, अब यहाँ एक इंसान की विल पावर है. कोई मांग लेगा कि चल मैं सीख लेता हूँ, कोई कहेगा छोड़ यार मैथ्स में कर लेंगे, कोई कहेगा मेडिकल का स्टूडेंट कहेगा चल छोड़ यार कि देखी जाएगी जो होगा, मेरे से नहीं होता इतना. अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे लेते हो. देखो मेरे से मांगोगे मैं आपको लेक्चर दे दूँगा, ठीक. 30 मिनट्स का लेक्चर है, सुन लेना. और इसके अंदर मैंने कैसे किया मैक्सिमा मिनिमा से, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा ना कभी कभी बीच बीच में आता रहेगा. कितना आता रहेगा? जैसे एक महीने में एक या दो बार, एक महीने में दो बार आ गया. तो ये ऐसा नहीं, मतलब 100 क्वेश्चन में से दो बार आ गया तो जिसको नहीं आता तो उसको फिर वो दो बार चुभेगा, जिसको आता है वो कहेगा ठीक है यार कुछ भी नहीं करना है इसमें. तो कैपिटल क्यू को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, स्मॉल क्यू में और कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू में. तो फोर्स क्या होगी इनके बीच में? ये होगी, किसी भी चीज़ को मैक्सिमम या मिनिमम करना हो उसको क्या करना होता है? डिफ्रेंशिएट, और इक्वल टू क्या पुट करना होता है? जीरो. तो मैंने इसे डिफ्रेंशिएट किया
इक्वल टू जीरो। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करना होता है, वो वेरिएबल जो निकालना है। आर तो इसमें वेरिएबल है नहीं, इसमें तो चार्ज वेरिएबल है, और वो कौन सा चार्ज वेरिएबल है, स्मॉल क्यू। कैपिटल क्यू तो कॉन्स्टेंट है, तो स्मॉल क्यू के साथ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इक्वल टू जीरो करेंगे, अपने आप आंसर आएगा। कैसे, ये देखो, ये लिखा एफ की जगह, ये पूरी की पूरी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट जीरो से कट गया, क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, ये टर्म आ गई, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म, तो ये टर्म आ गई, कैपिटल क्यू कॉन्स्टेंट है, डी क्यू बाई डी क्यू वन, और इसके डिफ्रेंशिएशन टू क्यू, तो यहाँ से सॉल्व करके क्यू बाई टू। पहला मेथड कर लें, हाँ कर लें, पहला मेथड समझ में आ गया तो इसकी जरूरत नहीं है वैसे, बट ये इसलिए करवाया जब आप किताबें पढ़ोगे तो आपको ये ऐसे बीच बीच में यूज करता दिखेगा, तो आपको कम से कम समझ में आना चाहिए कि कैसे हमने फोर्स को मैक्सिमा और मिनिमा से क्या किया, मैक्सिमाइज किया। हालांकि इस क्वेश्चन को करने में मैक्सिमा मिनिमा की जरूरत मुझको थी नहीं, मैंने वैसे ही आपके सामने आधा आधा करके डिवाइड करके आंसर निकाल दिया। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, अब अगला क्वेश्चन। मैंने क्या कहा था, पॉइंट चार्ज जब खत्म हो गया, आप कहोगे पॉइंट चार्ज खत्म हो गया तो फिर क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो कई लोग सोचते हैं आप क्वेश्चन आएंगे, एक एक फैन गिवन है जिसमें चार्ज है, एक बोर्ड गिवन है चार्ज है, कूलम लॉ लगाओ। मैं नहीं कर सकता ये क्वेश्चन, अगर मुझको कहोगे मेरे को नहीं आता ये क्वेश्चन, तो फिर हम कैसे करेंगे? आपको पूछेगा कौन? ये नहीं पूछेगा। आप अगर प्लस वन और प्लस टू के सिलेबस को बहुत ध्यान से देखें, या देखते आए हैं, प्लस वन तो आपने देख ली, प्लस टू के अंदर दो यूनिट्स आएंगे, अदर तीन यूनिट्स आएंगे, एक इलेक्ट्रोस्टैट्स, एक मैग्नेटिक इफेक्ट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक जो ये कहानी स्टार्ट हुई थी सेंटर ऑफ मास से स्टार्ट हुई थी, सेंटर ऑफ मास, पॉइंट मास, रॉड, रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, शेल, सिलेंडर। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग, डिस्क, रॉड, पॉइंट मास, सॉलिड, वही कोन, या कोन, कोन तो खैर एक्सेप्शनल केस है, सिलेंडर, स्फीयर, ऐसे ही था। इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रोस्टैट कहेगा कि पॉइंट चार्ज तो छूट गया, तो फोर्स निकाल लो, रॉड एंड पॉइंट चार्ज, चार्ज रॉड एंड पॉइंट चार्ज, रिंग, चार्ज रिंग एंड पॉइंट चार्ज, चार्ज डिस्क एंड पॉइंट चार्ज, रिंग एंड रिंग, रिंग एंड डिस्क, सॉलिड चार्ज स्फीयर, सॉलिड शेल। बस मैग्नेटिक इफेक्ट में डिस्क, रिंग, मैग्नेटिक फील्ड निकालो, रिंग का, डिस्क का, रॉड का, और उसी तरीके से सॉलिड स्फीयर का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कोई चीज घूम रही है, डिस्क घूम रही है, रिंग घूम रही है, रॉड घूम रही है, तो कोई ये कई बार ऐसा डर जाते हैं लोग कि यार ये तो अजीब अजीब फिगर्स आती रहती है, फिर समझ में नहीं आता कितनी आ रही हैं, कोई हद से हद क्या कर रहा है। एक पॉइंट मास से शुरू करता है, अगला क्वेश्चन रॉड का करवाता है, फिर अगला रिंग का करवाता है, फिर रिंग से डिस्क का करवाता है, डिस्क से स्फीयर का करवाता है। भाई यही सीक्वेंस रहेगा, चाहे आप रोटेशनल मोशन कर लो, सेंटर ऑफ मास कर लो, इलेक्ट्रोस्टैट्स कर लो, मैग्नेटिक इफेक्ट कर लो, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर लो। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि ये जो फॉर्मेट है वो रिपीट ही होता जा रहा है। तो हमने सेंटर ऑफ मास में किया, रोटेशन में किया, आज फिर से हम शुरू कर रहे हैं रॉड और पॉइंट चार्ज का, मेथड सेम रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपको एक कैपिटल क्यू चार्ज गिवन है इस रॉड के ऊपर, इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, जब मैं बोलता हूँ इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे चार्ज बिल्कुल बराबर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ज़्यादा चार्ज है और यहाँ पर है ही नहीं या कम चार्ज है, तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक, दीक्षा क्लियर है? लवण्या? यस सर। प्रत्याशिता? यस सर। ठीक है, तो एक एक चार्ज्ड रॉड है और एक स्मॉल क्यू पॉइंट चार्ज है। कोई कहे सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैंने कहा वो क्या, वो कहता कैपिटल क्यू चार्ज है, सेंटर ऑफ मास करके आए हैं,
हमें सिखाया गया था कि अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेंटर ऑफ मास उठा के टोटल मास ले लो, तो टोटल मास यहाँ ले लो और ऐसे ही टोटल चार्ज सेंटर पे ले लो कैपिटल क्यू, और फिर कूलम लॉ लगाओ, चलो आंसर आ जाएगा। लॉजिक तो गलत नहीं लगाया उसने, उसने कहा सेंटर ऑफ मास है, आपने सिखाया था कि अगर यूनिफॉर्मली अगर ये पेन में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इंटीग्रेशन करने की बजाय सेंटर ऑफ मास पे ले लिया करो, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही सिखाया। तो अब ये भी सिखा रहे हैं, वो भी मैं ही सिखा रहा हूँ कि कूलम लॉ में ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट तो मासेज में चलता है, सेंटर ऑफ चार्ज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। पता लगे आप कल को कहो कि एक स्फेयर है, स्फेयर का सेंटर ऑफ चार्ज सेंटर है, चलो जी कूलम लॉ लगा दिया, पॉइंट मास हो गया। या डिस्क है, डिस्क का के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके सेंटर पे ले लेते हैं, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो सेंटर ऑफ मास में चलता है, सेंटर ऑफ चार्ज नाम की कोई चीज़ इसमें नहीं है। तो आपको क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कैसे ख्याल आया मुझे, देखो एटलीस्ट मैं कूलम लॉ यहाँ नहीं लगा पा रहा क्योंकि पॉइंट मास पॉइंट चार्जेस नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये मेरे पास पॉइंट चार्ज मुझे दिख रहा है, राइट दिख रहा है, ये पॉइंट चार्ज है। मैं एक काम करता हूँ, इसका कहीं भी एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ, छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा एलिमेंट। इसका अगर टोटल चार्ज क्यू है तो स्मॉल चार्ज को क्या लेंगे, डी क्यू। अब ये जो डी क्यू है ना, ये एक पॉइंट की तरह काम करेगा, और इसकी दूरी क्या है, कुछ भी ले लो वेरिएबल है, क्योंकि एलिमेंट ये भी हो सकता है, एलिमेंट आप ये भी ले सकते हैं, ये भी कुछ भी लो आपकी मर्जी है, कोई एक एलिमेंट है। तो मान लो ये दूरी कितनी है, एक्स। तो अब मैं कूलम लॉ लगा सकता हूं एटलीस्ट, क्यों लगा सकता हूं, क्योंकि दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट और एक्स मुझे पता है, तो मैं कूलम लॉ लगा सकता हूं। पर ये कूलम लॉ मुझे जो फोर्स देगा वो इसकी और इसकी फोर्स देगा बस, जो कि छोटी फोर्स कहलाएगी, स्मॉल फोर्स। मेरे को टोटल रॉड की फोर्स निकालनी है इसके ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले एलिमेंट और इसकी फोर्स निकालूंगा, राइट मैं क्या करूंगा, मैं पहले एलिमेंट और इसकी फोर्स निकालूंगा स्मॉल, दूसरे एलिमेंट और इसकी फोर्स निकालूंगा, तीसरे एलिमेंट और इसकी फोर्स निकालूंगा, चौथे एलिमेंट इसकी फोर्स निकालूंगा, करते 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 आखिरी एलिमेंट और इसकी फोर्स निकालूंगा, और फिर सभी फोर्सेस को मिला दूंगा। मिलाने को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। तो पहले यानी कि मैं छोटी फोर्स निकाल लूंगा, फिर सारी फोर्सेस को मिलाने का मतलब इंटीग्रेट कर दूंगा। पहले छोटी फोर्स निकाल लें, पहले छोटी फोर्स कैसे निकलेगी, स्मॉल फोर्स के लिए मान लो ये छोटा सा एलिमेंट है, ये मैंने ले लिया, और जिसकी लेंथ क्या है, डी एक्स, टोटल लेंथ रॉड की कितनी है, एल, पर क्योंकि मेरा छोटा एलिमेंट है तो उसकी लेंथ क्या लेंगे इसमें, डी एक्स, और स्मॉल चार्ज क्या लेंगे इसमें, डी क्यू। क्लियर है यहाँ तक, तो चार्ज क्या होगा इसमें, डी क्यू। अब ये डी क्यू तो मैंने खुद एज्यूम किया ना, मेरे को गिवन थोड़ी ना डी क्यू, तो डी क्यू मुझे गिवन क्या है, मेरे को इस क्वेश्चन में तो क्यू गिवन है। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले डी क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी क्यू की वैल्यू कैसे आएगी, टोटल अगर लेंथ पूरी रॉड की एल है तो चार्ज कितने हैं पूरी रॉड पे, कैपिटल क्यू विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर यूनिट है तो चार्ज कितने हैं, क्यू बाई एल। और वैसी अगर लेंथ स्मॉल डी एक्स है तो चार्ज कितने हैं, क्यू बाई एल इंटू डी एक्स है, इसको डी क्यू बोलते हैं। ये तो एक लंबा तरीका है, जैसे हम लेते थे मास पर यूनिट लेंथ, याद है उसमें सेंटर ऑफ मास में मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, डिपेंड करता है कि मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिमिलरली चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ वाइज है, एरिया वाइज है, वॉल्यूम वाइज है, ये क्वेश्चन पूछने वाला ही आपको बताएगा। इसमें लेंथ एक थिन रॉड होती है तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट्स लेंथ। तो शॉर्टकट ये बोलता है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली क्या आ जाएगा, स्मॉल चार्ज आ जाएगा। हाँ, हालांकि मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया ऐसा क्यों हुआ, कि जिसको ऐसे समझ में नहीं आता ऐसे समझ में आ ही जाएगा, तो डी क्यू क्या होगा समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब एक काम करते हैं, हम इसमें फोर्स निकालते हैं डी क्यू का और क्यू का एक्स दूरी पे। तो ये फोर्स क्या होगी, 1/4πε0 डी क्यू इंटू क्यू बाय एक्स स्क्वायर। क्या है पॉइंट, क्लियर है यहाँ तक। और ये फोर्स एफ नहीं कहलाएगी, डी एफ होगी, क्योंकि छोटा चार्ज है तो छोटी फोर्स है, पूरी रॉड की फोर्स को एफ बोलेंगे, स्मॉल फोर्स। क्लियर है, ये स्मॉल फोर्स के अंदर आप डी क्यू की वैल्यू को पुट कर दे, जो निकाला क्यू बाई एल इंटू डी एक्स आ गया,
तो आपके पास क्या आ गया, ये टर्म आ गई। ठीक है, अब ये फोर्स किसकी किसकी निकली, ये फोर्स निकली इसकी और इसकी। बस मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ से शुरू हो जाना है। पहला एलिमेंट है, पहले एलिमेंट की फोर्स निकलेगी, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, करते 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 लास्ट की। तो जब एलिमेंट पहला है, फर्स्ट है, तो फर्स्ट एलिमेंट और इसके बीच में दूरी कितनी है, आर। तो यानी कि ये एलिमेंट यहाँ की बजाय जब यहाँ लिया जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या कहलाएगी, आर। और जब ये एलिमेंट बिल्कुल आखिरी पे आ जाएगा, लास्ट पे, तो लास्ट के अंदर इसके साथ ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये टोटल लेंथ क्वेश्चन में गिवन है एल, तो क्या हो जाएगा, आर। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर प्लस एल। तो हम क्या करेंगे, हम सारी फोर्सेस को मिलाना चाहते हैं, मिलाने का मतलब इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन में ये सब कांस्टेंट 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 बाहर, सिर्फ एक्स की टर्म अंदर, क्योंकि एक्स वेरिएबल है, इसमें एलिमेंट की दूरी चेंज हो रही है। तो पहला एलिमेंट कहाँ पे लिया जाएगा, आर, और दूसरा कहाँ पर लिया जाएगा, आर प्लस एल। तो इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। इंटीग्रेशन के अंदर 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन, एक्स रेज टू पावर माइनस टू, ये रही। तो इसके अंदर एन प्लस वन वाला फॉर्मूला, माइनस वन ये रहा, आर से लेके आर प्लस एल ये रहा। और फाइनली माइनस साइन यहाँ बाहर आ गया, और एक्स की पावर माइनस एक्स को क्या लिखा जाता है, वन बाय एक्स, राइट। तो ये टर्म आ गई। इस टर्म में एक बार एक्स की जगह अपर लिमिट, एक बार एक्स की जगह लोअर लिमिट, और माइनस साइन अंदर जाएगा, तो ये टर्म पहले, ये टर्म बाद में आ जाएगी, तो ये टर्म आ गई। इसको एलसीएम लिया, आंसर आ गया, आपकी जो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर टू है उसका यही आंसर है। अब कोई कहे कि सर मेरे को अगर कुछ और आ गया फिर, भाई कैसे आएगा, जब बोल तो रहा हूँ मैं, हर साल देखता हूँ रॉड रिंग डिस फेयर शेल, कुछ आएगा ही नहीं। तो लिमिट कैसे लगती है, मेरे को समझ में नहीं आई, समझ तो मेरे को भी नहीं आई। मैंने तो सिंपली, मैं तो इतनी बार कर चुका, अब मैं अगर मुझे कोई पूछे ना कि आराम से मैं नींद में हूँ तो क्या आंसर लिमिट लगेगी, भाई कुछ नहीं करना, आर से लेके आर प्लस एल ले लियो। इसमें कोई, ये तो प्रैक्टिस ही है ना, इसमें सोचना भी क्या है, फर्स्ट टाइम वाला सोचे, अच्छा हाँ ये लिमिट यहाँ लिया, हाँ ये लिमिट वहाँ गया। वहाँ आप क्या सोच रहे हो, कॉम्पिटिशन में आपसे कोई वहाँ लाइव कोई बनवा के देख रहा है, ये लो जी ये नया फिगर लो ऐसे करके दिखा, किसके पास टाइम है लिमिट्स वहाँ सोचने का। भाई वहाँ पर तो जो प्रैक्टिस करके गए हो उसी में से शॉट्स लगने हैं सारे। आप इतनी प्रैक्टिस करके गए हो, आपको पता है यार रॉड का क्वेश्चन है, आर से लेके आर प्लस एल तक, हद से क्या करेगा, आपके क्वेश्चन को चेंज कर देगा, 2 सेंटीमीटर से ये 2 दे देगा, ये 10 दे देगा, तो लिमिट लगा देगा 2 से लेके 2 प्लस 10। तो बस इतना ही वेरिएबल करता रहेगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो आप ये ना सोचें कि कोई और क्वेश्चन आ रहा आएगा तो और तब देखेंगे, तो हमारी प्रैक्टिस से में समझ में आ जाएगा तो कैसे करना है। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। तो एटलीस्ट आज हमने एक चीज़ सीख ली, पॉइंट चार्ज हमें आ गया, रॉड और पॉइंट चार्ज भी हमें आ गया, बस 2 चीज़ें हमारे नॉलेज में अपग्रेड हो गई। ठीक हो गया यहाँ तक, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन बाद में करते हैं, थोड़ा इसका शॉर्टकट याद करेंगे एंड में। ये क्वेश्चन करते हैं एक बार देखो, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, एक मिनट इस क्वेश्चन को एक बार रीड करो। देखो इस क्वेश्चन की क्या प्रॉब्लम है, वो कह रहा है एक रिंग है और एक चार्ज है। अब मुझे एक बात ये तो समझ में आ गई, सिंपल कूलम लॉ का फॉर्मूला तो लगने से रहा, क्योंकि रिंग और पॉइंट चार्ज के लिए भी कूलम लॉ लगेगा नहीं, बिकॉज इट इज़ अ कूलम लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। तो जैसे मैंने रॉड और पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट किया,
ऐसी आज मैं रिंग और पॉइंट चार्ज का भी करूंगा, तो जब तक तो करूंगा नहीं तब तो तक कैसे समझ में आएगा। हाँ, पर आज के बाद अगर रिंग और पॉइंट चार्ज की प्रॉब्लम मेरे सामने आई और मुझे समझ में आ गई तो मैं कर पाऊंगा, तो एक और चीज़ हम एडिशन आज कर लेंगे। ठीक, इस क्वेश्चन को करने, ये क्वेश्चन ना कई चीज़ों से जुड़ा हुआ है, इसमें सब बहुत चीज़ें इकट्ठी काम कर रही हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बाद में रीड करेंगे। मेरा बेसिक क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि अगर ये रिंग है, एंड चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, कैपिटल क्यू, यहां पे एक चार्ज है स्मॉल क्यू, तो मेरा क्वेश्चन है कि स्मॉल क्यू पे नेट फोर्स क्या लगेगी इस रिंग की वजह से। कितने लोग बोलते हैं कि आंसर इज जीरो? जीरो, सिमेट्रिकल फिगर है, सराउंडेड बाय चार्जेस एंड चार्जेस, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये एलिमेंट अगर छोटा चार्ज ले भी लेते हैं तो ये इसे क्या करेगा, रिपेल, ये इसे क्या करेगा, रिपेल, ये इसे क्या करेगा, रिपेल, और ये एलिमेंट भी क्या करेगा, रिपेल, रिपेल, सारे वेक्टर आपस में, तो नेट आंसर क्या आएगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, मेरा दूसरा क्वेश्चन, सपोज करो आपके पास एक रिंग है, एक रिंग के सेंटर पे क्यू चार्ज है जैसे मैंने बताया, ठीक, और ये कुछ इस तरीके से ये केस है, ठीक, रिंग का रेडियस आर है, तो मेरा क्वेश्चन है कि ये रिंग में अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेंटर पे नेट फोर्स क्या लगेगी, जीरो, ओके, सही है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं सपोज एक छोटा सा एलिमेंट, बहुत ही छोटा सा एलिमेंट यहां से हटा देता हूं, कट कर दिया, ठीक, तो कितना एलिमेंट कट किया, मान लो मैंने एक बहुत छोटा सा एलिमेंट कट कर दिया, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि ये बची हुई रिंग, और हाँ आप पूछोगे सर जो एलिमेंट कट किया उसका चार्ज कितना है, चलो मैं बता देता हूँ, इसका चार्ज मान लो डी क्यू है, कट कर दिया, फेंक दिया इसको उठा के, टोटल चार्ज रिंग पे कितना था, क्यू था, तो क्वेश्चन ये है कि बची हुई रिंग इस चार्ज पे क्या फोर्स लगा रही है। फोर्स डी क्यू कैसे फोर्स हुई, मतलब मैं ये पूछ रहा हूं कि फोर्स ड्यू टू, रिमेनिंग रिंग क्या लगेगी सेंटर पे इसके ऊपर। आंसर वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय, कितने लोग एग्री करते हैं, ये होगी ये रिमेनिंग की, हाँ रिमेनिंग की, नहीं मुझे, मैंने मन से क्वेश्चन बनाया है, इतना टेक्निकल नहीं, बस ये बताओ कि वेक्टर से बताओ कि कैसा होगा, क्या ये ऐसा एग्री करते हो ऐसा ही कुछ होगा। देखो आप ये इमेजिन करें कि इस पूरे रिंग ने सेंटर पे फोर्स क्या लगाई, जीरो, सारे वेक्टर आपस में क्या कर रहे हैं, मानते हो,
इस अकेले एलिमेंट ने आर डिस्टेंस पे कितनी फोर्स लगाई होगी, इतनी अकेले एलिमेंट ने, मानते हो? तो रिमेन, और किस तरफ लगाई होगी, इस डी क्यू ने क्यू को क्या किया होगा, रिपेल। ये फोर्स ड्यू टू कट वाला पोर्शन है जो कट कर दिया, ठीक है, यही आंसर है इसका। अब ये बताओ कि रिमेनिंग ने भी एग्जैक्टली कितनी लगाई होगी, सेम इन ऑपोजिट, तभी तो नेट आंसर क्या आया था, तो आंसर सेम है, क्या प्रॉब्लम है, सेम है। देखो नेट आंसर तभी जीरो आएगा ना जब रिमेनिंग और ये छोटा सा पोर्शन आपस में नेट वेक्टर को क्या करेगा, कैंसल। क्या ये पॉइंट क्लियर है ऑनलाइन वालों को, क्लियर है? यस सर। अब कुछ लोग कहेंगे ऐसा लग सा नहीं रहा, लग नहीं रहा, जैसे आपको लग नहीं रहा यार, ऐसे कैसे हो गया यार, छोटा सा एलिमेंट भी छोटी फोर्स लगाएगा और रिमेनिंग डिस्क भी छोटी सी फोर्स लगाएगी। वो इसलिए लगाएगी, ये देखो, इसलिए लगाएगी क्योंकि एक्चुअल में क्या हो रहा था कि ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट को क्या कर रहा था, कैंसल, ये भी इसे कैंसल, ये भी सब कैंसिल कर गए, सिर्फ एक ये वाला एलिमेंट था जो कि एग्जैक्टली यही फोर्स लगा रहा था और आपस में से क्या करेगा, कैंसिल। बाकी सारे एलिमेंट की फोर्स एक दूसरे को क्या कर रही है, इसलिए सिर्फ यही आंसर आएगा। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, आंसर कैसे आएगा, ठीक है, पॉइंट क्लियर है वंशी? ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि अगर ऐसा इसको और आसानी से समझना है, कोई बात नहीं, आसान समझा देता हूं। ये रिंग है, इस रिंग के ऊपर चार्ज है, नेट जो भी इसके ऊपर फोर्स है क्या नहीं चाहिए, जीरो। तो अगर इस छोटे से कट किए हुए पोर्शन ने, इस कट किए हुए पोर्शन ने अगर यहां पे फोर्स लगाई थी 10 न्यूटन, तो रिमेनिंग डिस्क ने भी फोर्स क्या लगाई थी, 10 न्यूटन, तभी तो नेट आंसर क्या आया था, तो जो छोटे वाला पोर्शन लगाएगा वही बची हुई रिंग लगाएगा ताकि नेट आंसर जीरो होगा। क्लियर हो गया यहां तक? ओके ये तो इस जो क्वेश्चन जो सॉल्व करने जा रहे हैं ना, इसके कई वो हैं, कई ब्रांचेस हैं, ये बड़ा ट्री है, बड़ा क्वेश्चन है, तो इसका एक तो ये कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, ठीक हो गया। एक दूसरा क्या यूज करूंगा, दूसरा ये यूज करूंगा कि लेट अस सपोज आपके पास एक रिंग है, ठीक, रिंग ड्रॉ नहीं की कभी यार, चलो कोई बात नहीं, हाथ से कर लेते हैं। देखो सपोज आपके पास एक रिंग है, ठीक, तो ये बताओ कि अगर यहां पर एक पॉइंट चार्ज है माइनस क्यू और ये चार्ज है कैपिटल क्यू, तो ये रिंग का एक्सिस है, जैसे ये रिंग है ये इसका एक्सिस है, तो अगर ये मूवेबल है और रिंग मूवेबल नहीं है, तो ये पॉजिटिव रिंग इस माइनस क्यू को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट, मानते हो बात? तो ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, मूव करेगा, मूव करेगा, मूव करेगा, मूव करेगा, और सेंटर पे आती नेट फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे क्या हो जाएगी, जीरो। मानते हो ये चीज, सेंटर पे, अभी हमने पिछला क्वेश्चन यही तो किया था, इसलिए तो बताया था सेंटर पे नेट फोर्स जीरो, जीरो हो गई। आगे क्या ये पार्टिकल यहां रुक जाएगा क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो हो गई? नहीं रुकेगा। क्या आपने एसएचएम के अंदर वो क्वेश्चन किया था, अर्थ है, टनल है, बॉल गिर दी, सेंटर पे ग्रेविटी जीरो हो जाती है, फिर भी बॉल रुकती नहीं है, उसको सेंटर को क्रॉस कर जाती है, बिकॉज उसके पास क्या डेवलप हो जाता है, मोमेंटम। तो मास है पार्टिकल का, अगर इस पार्टिकल का मास है और वो वी वेलोसिटी से यहां पर लैंड करती है, चाहे नेट फोर्स जीरो है, वो रुकेगी नहीं, वो थोड़ा सा आगे चली जाएगी। तो जैसे ये माइनस क्यू इधर जाएगी, अब रिंग इसे अपनी तरफ उल्टा खींचेगी, पॉजिटिव रिंग माइनस क्यू को खींचेगी, तो इस चार्ज पार्टिकल को फिर से क्या आना पड़ेगा, सेंटर की तरफ आना पड़ेगा, सेंटर में नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो, पर ये रुकेगी नहीं कि फिर इधर चली जाएगी। तो ये इसकी कौन सी पोजीशन हो जाएगी, मीन, और ये इसकी कौन सी पोजीशंस हो जाएंगी, कुछ कुछ फील आ रहा होगा पीरियोडिक एंड सिंपल हार्मोनिक मोशंस का, ऐसा ऐसा कुछ होता था, टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट हो जाएगी, विच कैन बी इन एसएचएम, और जरूरी नहीं है कि वह एसएचएम में होगी, मुझे क्या पता होगी कि नहीं होगी, क्योंकि स्प्रिंग मास सिस्टम एसएचएम में होगा, हाँ होगा, टनल में बॉल फेंकते हैं होगा, हाँ होगा, पानी यूट्यूब में मूव करता है होगा, हाँ तब भी होगा, पेंडुलम जब एस मूव करता है टू एंड फ्रो एसएचएम में होता है, हाँ होता है, कैसे पता, मैं प्लस वन में करके आया हूं ना, पर क्या ये चार्ज एसएचएम में होता है, मुझे पता नहीं, एसएचएम की प्रॉब्लम क्या थी, जो प्रॉब्लम मैंने कर ली वो मुझे पता है, जो प्रॉब्लम मुझे पता नहीं या मैंने की नहीं, वो तो करके देखनी पड़ती है, तो इसमें करके देखनी पड़ेगी कि एसएचएम में होगी या
नहीं होगी। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक। तो जब बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे अभी नए नए, तो क्या पूछता था? SHM आता है? ओ आता है, ठीक है। जिसको नहीं आता क्या बोला था? SHM कितने लोग करके आए? SHM करके आए होंगे, दो चार लोग करके आए हैं। तो वो इसीलिए था, मैंने कहा था ना कि वो स्विच चुभेगी, SHM आएगा ना तो फील होगा कि यार ओहो SHM कहाँ से आ गया। पर ऐसा रोज नहीं होगा, ऐसा महीने में एक आध बार होगा, 5-10 मिनट के लिए। अब कोई कहता है ठीक है यार इतना तो कर ले, इतना बर्दाश्त तो कर ही लेंगे, कोई नहीं, एक आध क्वेश्चन का क्या है। कोई कहता है यार ऐसे कैसे हो गया, अगर 4-5 आ गए फिर तो मैं काम करता हूँ, मैं SHM कर लेता हूँ पहले, आपके ऊपर है। किसी को SHM नहीं आता मुझे व्हाट्सएप करे, मैं आपको लॉगिन आईडी दूंगा, आप SHM कर लें पहले ठीक तरीके से। पर इतनी भी अर्जेंसी नहीं है, जितना मुझे रिक्वायर्ड SHM चाहिए मैं अभी आपको करवा दूंगा, आपका काम चल जाएगा। लेकिन अभी मैंने प्लस वन मना की हुई है, तो आप अभी आराम से प्लस टू पे ही फोकस करें। इतना भी नहीं, एक आध क्वेश्चन होता है, कोई ज़्यादा नहीं होता। पर जब ये थोड़ा ख़त्म हो जाएगा फेस बेस बिल्डिंग वाला, फिर कोई अभी अप्रैल मई के बाद जून के तरफ जाके फिर प्लस वन के ऐसे ऐसे टॉपिक्स को आप साथ साथ पैरेलल शुरू करना, जब थोड़ी ईजी हो जाएगी प्लस टू। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक समझ में आ गया ना? ओके, ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है ये तो लॉजिक? यस ठीक है, ओके। अब तीसरा कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट आता है कि रिंग के सेंटर में नेट फोर्स क्या होती है, आपको पता लग गया, जीरो। दूसरा आता है कि अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ प्लेस करेंगे तो ये वो रिंग अट्रैक्ट करेगा, फिर ऐसे पीरियोडिक ये टू एंड फ्रो मूव करेगा, ये भी समझ में आ गया। तीसरा कॉन्सेप्ट है कि SHM को छोड़ दो, SHM नहीं चाहिए। आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके पास एक रिंग है, ये एक रिंग है, क्यू चार्ज है, इसके एक्सिस पे माइनस क्यू है, इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस या सॉरी एक्सिस पे ये कितनी दूरी पे हमने प्लेस किया माइनस एक्स डिस्टेंस पे, और कैसे किया? मैंने इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ खुद लेके आया, मैं लेके आया था यहाँ पे, पर जैसे ही मैंने इसको छोड़ा ये उठा के इधर मूव कर पड़ा। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग मास सिस्टम को, मास को मैं लेके आता हूँ लेकिन छोड़ता हूँ तो स्प्रिंग उसे वापस ले जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या डेवलप हो जाती है? रिस्टोरिंग फोर्स, जो उसको वापस लेके जाती है उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो इसमें यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है, बताओ फोर्स की वैल्यू जो रिंग पॉइंट चार्ज पे लगाएगी जिससे ये पॉइंट चार्ज वापस आएगा, बस आपको फोर्स निकालनी है। जैसे हमने रॉड और पॉइंट चार्ज की निकाली थी ऐसे रिंग और पॉइंट चार्ज की फोर्स निकालनी है, ये क्वेश्चन है। अब प्रॉब्लम वही है, फोर्स के लिए डायरेक्ट कूलम लॉ लग नहीं सकता क्योंकि एक रिंग है और एक पॉइंट चार्ज है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो एलिमेंट ले लें, तो एलिमेंट लेते हैं। तो ये मैंने पहला एलिमेंट लिया कितना? डी क्यू। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? ये मैंने एलिमेंट ले लिया डी क्यू, छोटा सा एलिमेंट। अब इस एलिमेंट ने इस माइनस क्यू को अपनी तरफ क्या करना है? अट्रैक्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेगा? अपनी तरफ इसे अट्रैक्ट। ये देखो, क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? क्या ये पॉइंट क्लियर है? डी क्यू ने माइनस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट। ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, और कितनी फोर्स के साथ? फोर्स भी लिख दें, फोर्स को क्या लिखेंगे? डीएफ, स्मॉल चार्ज है ना, डीएफ। और इस डीएफ की वैल्यू क्या लिखेंगे? 1/4πε0 डी क्यू इंटू क्यू, नहीं मैग्नीट्यूड लेंगे ना, डी क्यू इंटू मैग्नीट्यूड ओनली, वो तो अट्रैक्टिव है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 2। यही होगा ना, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस। तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है, ये फोर्स निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड। ठीक, ऑनलाइन वालों को क्लियर है ना ये? यस सर। ठीक, अब नेक्स्ट क्या पॉइंट है? मान लें कि एंगल कितना है, थीटा ले लेते हैं, चलो डी थीटा, क्या पूरा एंगल लेते हैं, बड़ा एंगल है। तो इसमें ये जो एंगल है सपोज वो कितना है? थीटा। ठीक, तो डी एफ के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एक कॉम्पोनेंट कितना? डी एफ कॉस थीटा, और एक कॉम्पोनेंट कितना? डी एफ साइन थीटा। राइट, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से
यहां पर एक और एलिमेंट लेंगे सेम, एक और एलिमेंट डी क्यू। रिंग में एक एलिमेंट लेते हैं, रिंग में डायमेट्रिकली दो एलिमेंट लेते हैं, उसका रीजन बताता हूं क्यों लेते हैं। तो एक ऊपर लिया एक डायमेट्रिकली नीचे लेंगे, इससे क्या होगा ये माइनस क्यू को ये डी क्यू भी क्या करेगा अट्रैक्ट। क्या ये पॉइंट क्लियर है? और उसी तरीके से इसके भी क्या होंगे दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट क्या होगा ये रहा, एक कंपोनेंट ये रहा और एक कंपोनेंट ये बनेगा। ये देखो कैसे इसकी वैल्यू क्या होगी, ये भी फोर्स कितनी है डी एफ और ये भी बाइसिमेट्री क्या होगा थीटा, तो ये भी क्या होगा डी एफ कॉस थीटा, ये क्या होगा डी एफ साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट को क्या कर जाएगा, क्या स्टेप क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो अब टोटल फोर्स कितनी आएगी 2DF cos थीटा, कितने एलिमेंट्स की रिंग के, कितने एलिमेंट्स लिए दो, ऐसे रिंग के कितने एलिमेंट्स हैं मुझे खुद नहीं पता, पूरी रिंग पे फैले हुए हैं। हाँ मुझे इतना पता है एक एलिमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन DF cos थीटा, दूसरे एलिमेंट का भी DF cos थीटा, अगर तीसरा होता और चौथा होता उसका भी DF cos थीटा DF cos थीटा, तो एक एलिमेंट कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है DF cos थीटा। तो मैं टोटल फोर्स निकालना चाहता हूँ सभी एलिमेंट्स की वजह से, तो डी एफ कॉस थीटा ड्यू टू वन एलिमेंट, डी एफ कॉस थीटा ड्यू टू अदर एलिमेंट, डी एफ कॉस थीटा ड्यू टू अदर एलिमेंट, तो ऐसे डी एफ कॉस थीटा डी एफ कॉस थीटा डी एफ कॉस थीटा को में से एक डी एफ कॉस थीटा लेंगे और उसे क्या कर देंगे इंटीग्रेट। देखो डी एफ कॉस थीटा को मिलाएंगे ना, मिलाने को क्या बोलते हैं इंटीग्रेट करना। तो अगर हम नेट फोर्स निकालना चाहते हैं कि वॉट इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स, तो नेट फोर्स के लिए एक एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन ले लो, एक एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या डीएफ कॉस थीटा और इसे क्या कर दो इंटीग्रेट, टोटल आंसर आ जाएगा। तो क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि रिंग और पॉइंट चार्ज के बीच में टोटल फोर्स कैसे निकलेगी, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो एक बार ये लगा के देख लें, ऑनलाइन वालों को क्लियर है ना ये? यस लो क्वेश्चन बाद में रीड करेंगे, पहले फोर्स देख लेते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है कि इनके बीच में जो फोर्स होगी सेम df df cos थीटा df sin थीटा df df cos थीटा df sin थीटा df, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ df cos थीटा माइनस साइन क्यों, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स है, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज को मैं यहां लेके आया था और रिंग इसे रिस्टोर कर रही है सेंटर पे लाने की कोशिश कर रही है, तो साइन क्या लगेगा माइनस। क्लियर है यहां तक? df की वैल्यू कितनी है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड में डी क्यू इंटू क्यू बाय इसका स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है ट्राइंगल में x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये आ गया टर्म। तो ये आपके पास क्या आ गया नेट फोर्स आ गया, कोई डाउट इसमें? तो ये टर्म और ये टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाफ है पावर, ये वन है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हाफ प्लस वन क्या होता है रेज टू पावर थ्री बाई टू, सब बाहर आ गया, सब बाहर आ गया। चार्ज इसमें वेरिएबल है, चार्ज जो है डी क्यू के साथ इंटीग्रेशन हो रही है, तो इसमें चार्ज तो कुछ है नहीं, चार्ज वाली टर्म्स जो बाकी सारी टर्म्स कॉन्स्टेंट हैं, तो हम अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो रिंग पे डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू टोटल चार्ज क्या होगा जीरो से क्यू, इंटीग्रेट करके क्यू आ जाएगा, तो ये आंसर आएगा टोटल फोर्स का। तो आपसे अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि फोर्स बताएं रिंग और पॉइंट चार्ज की अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी, ये आंसर मार्क करना है। चार्ज जीरो से क्यों लिया, अब टोटल चार्ज क्यू लिया ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या होगा क्यू, अच्छा जीरो मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या होगा क्यू, बट क्यू लगा लो सीधा, वो जीरो से क्यू ही होगा ना बेसिकली, तो ओके लिमिट्स मत लगाओ, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्लियर है यहाँ तक, टोटल चार्ज तो क्यू ही होगा ना। वो तो मैंने कराया नहीं अभी, नहीं नहीं वो डायपोल्स में यूज होते हैं, इसमें नहीं। बोलो, हाँ ये कंफ्यूजन होती है, उसने कहा 2DF cos थीटा क्यों नहीं है, क्योंकि आपने दो एलिमेंट लिए थे तो 2DF cos थीटा था, तो मैंने ये क्लियर किया कि 2DF cos थीटा टोटल फोर्स है ड्यू टू टू एलिमेंट्स, एक एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन सिर्फ DF cos थीटा, तो ऐसे अगर एक एलिमेंट के कंट्रीब्यूशन को इंटीग्रेट करते हैं, क्लियर है यहाँ था? तो दो दो एलिमेंट इसलिए लिए थे ताकि दिखा सकूँ कंपोनेंट कैंसिल होते हैं, इसलिए तो तभी तो रूल है रिंग में दो लेते हैं ताकि दिखा सकूँ कि इस एक्सिस में होता ही कुछ नहीं है, दो दो करके सारे एक्सेस डीएस डीएफ साइन थीटा हमेशा एक दूसरे को कैंसिल ही करते जाते हैं, डीएफ कॉस थीटा ऐड करता जाता है, इसलिए दो एलिमेंट लेते हैं ताकि आप दिखा सकूं, ठीक। अदरवाइज वो तो उससे भी जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स में अलग करो वाई में अलग करो, वाई की इंटीग्रेशन जीरो आती है, इसमें आती नहीं,
लंबा होगा, ये ज़्यादा आसान है। क्लियर है? तो एक आंसर ये आ गया। अब वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में यही तो कह रहा है कि ये रिंग है, पॉइंट चार्ज एक्स पे हमने प्लेस कर दिया, हैविंग चार्ज माइनस क्यू, शो दैट मोशन ऑफ माइनस क्यू इज अप्रॉक्सीमेटली एस एच एम। अब आखिरी पार्ट है, हमसे अगर फोर्स पूछेगा, एस एच एम का कोई पूछेगा नहीं, फोर्स हम निकाल देंगे। हमसे अब ये पूछ रहे फोर्स तो निकाल दो, अब ये बताओ कि ये मोशन अप्रॉक्सीमेटली एस एच एम है। अप्रॉक्सीमेटली एस एच एम क्या होती है यार, या तो होती है या नहीं होती। अप्रॉक्सीमेटली एस एच एम है तब जब एक्स बहुत छोटा है ए से। अब हम एक काम करते हैं, इसको करने से पहले हम चलते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली एस एच एम से पहले एस एच एम क्या होती है। तो अगर आपको एस एच एम याद है तो एस एच एम वो पीरियोडिक मोशन है जब कोई पार्टिकल टू एंड फ्रो मूव करता है दो एक्सट्रीम्स के बीच में, सच दैट उसकी एक्सलरेशन इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये इक्वेशन ऑफ क्या कहलाती है? एस एच एम। इक्वेशन ऑफ एस एच एम यही थी ना, यही थी कि उसकी एक्सलेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन। तो ये क्या कैसे यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्प्रिंग है और एक मास है, मास है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है, तो इसके अंदर आपने इसे खींच दिया, एक्सपैंड कर दिया, कितना एक्सपैंड कर दिया, बाई डिस्टेंस ऑफ एक्स। तो स्प्रिंग में क्या डेवलप हो गई? रिस्टोरिंग फोर्स। जितना ज़्यादा आप एक्स अप्लाई करते हैं स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ही ज़्यादा डेवलप हो जाती है, और स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स होती कितनी है? माइनस के इनटू एक्स। क्या स्टेप क्लियर है? तो स्प्रिंग के अंदर माइनस साइन क्या शो करता है? रिस्टोरिंग फोर्स है। क्या स्टेप क्लियर है? माइनस के एक्स। ठीक, अब स्प्रिंग के अंदर ये फोर्स जो है रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स, एंड फोर्स होती क्या है? मास इंटू एक्सलेशन। तो एक्सलेशन क्या होगी? माइनस के बाय मास इंटू एक्स। ये एक्स किसने प्रोड्यूस किया था? मैंने, मैंने खींचा था ब्लॉक को, और एक्सलेशन किसकी? ब्लॉक की। किस तरफ? ऑपोजिट। मैंने एक्स यहां प्लेस किया था तो एक्सलेशन ऑपोजिट है, यानी कि इसमें क्या डेवलप है? ऐसा नेगेटिव साइन क्यों आया? बिकॉज इसमें क्या डेवलप हो गई? रिस्टोरिंग फोर्स। तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है? कि एक्सलेशन की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से ऑपोजिट है। और अगर ऐसा हो जाता है कि एक्सलेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन, तो आपकी बॉडी किसमें कहलाती है? इन। और एस एच एम की इक्वेशन क्या होती है? ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो आप इन्हें अगर कंपेयर करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू मैंने सिखाई थी अंडर रूट ऑफ के बाय एम, और ओमेगा क्या होता है? टू पाई बाय, तो टी की वैल्यू आई थी टू पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई की। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? तो ऐसा हमने किया था। तो किसी भी बॉडी को एस एच एम में लाने के लिए सबसे पहले या प्रूफ करने के लिए क्या ढूंढनी होती है? रिस्टोरिंग फोर्स। फिर फोर्स को क्या पुट करना होता है? मास इनटू, फिर एक्सलेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल नेगेटिव साइन करके, फिर कंपेयर करके ओमेगा आता है। अब ये करने वाले हैं, हमने क्या ढूंढ ली है? रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, उसने कंडीशन कही कि ए बहुत बड़ा है एक्स से, तो अगर ए बहुत बड़ा है एक्स से तो इस ए के मुकाबले एक्स बहुत छोटा है तो कैन बी निगलेक्टेड। आपको कि नीचे निगलेक्टेड, ऊपर भी निगलेक्ट कर दो ना, मल्टीप्लीकेशन में निगलेक्ट नहीं चलता, एडिशन में चलता है। अगर ये टर्म बहुत बड़ी है, ये छोटी है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैन बी निगलेक्टेड, मल्टीप्लीकेशन में कैन नॉट बी निगलेक्टेड। क्या निकालना ही नहीं? डी क्यू की इंटीग्रेशन क्यों लिख दी ना, निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। डी क्यू को डिटेल में लेके ही नहीं गया ना, डी क्यू में छोड़ दिया मैंने, मैंने मास पर यूनिट लेंथ नहीं किया, टू पाई आर ऐसे ही कर दिया। ठीक है, तो अब इस केस में यहाँ पर मैंने निगलेक्ट कर दिया एक्स को, तो मेरे पास ए स्क्वायर बचा, रेज़ टू पावर थ्री बाई टू, टू से टू कैंसिल, तो ये टर्म आ गई। अब इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो कि फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, मास नीचे आ गया, ये सब कॉन्स्टेंट है, एक्सेलेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन एस एच एम। तो मैंने प्रूव कर दिया कि एस एच एम में, एस एच एम की इक्वेशन लिखी, कंपेयर किया, ओमेगा निकाला, ओमेगा टू पाई बाई टी, और टाइम पीरियड निकाला। लेकिन एस एच एम में ये तब प्रूव हुआ, आपको कि सर ये भी तो हो सकता था एस एच एम में कि यहीं पुट कर लो मास इन टू एक्सेलेशन, तो ऊपर एक्स आ तो गया, नहीं नीचे भी एक्स आया हुआ है। तो अगर ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, फिर वो एस एच एम नहीं हो सकता।
डिनोमिनेटर में एक्स नहीं चाहिए, सिर्फ न्यूमिनेटर में केवल एक्स चाहिए, तब एस एच एम में। तो अब इस केस में ये एस एच एम में तब प्रूव हुआ मुझसे जब ये कंडीशन मुझे गिवन थी। अगर ये कंडीशन गिवन नहीं है तो फिर ये मोशन एस एच एम में नहीं है। अगर ये कंडीशन गिवन है फिर इस चार्ज पार्टिकल की मोशन एस एच एम में है। आपको ये एनसीईआरटी में नहीं आएगा, प्रूव करने को नहीं आएगा, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बस वो ये पूछेगा एक रिंग है और माइनस क्यू चार्ज है, छोड़ दिया, बताओ ये एस एच एम में होगा कि नहीं होगा। तो आपने ये देखना है अगर ये कंडीशन ऑब्जेक्टिव में गिवन है तो एस एच एम में हाँ मार्क करना है, और अगर ये नहीं गिवन तो आपने बोलना है ये सिस्टम एस एच एम में नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इतनी लंबी कहानी कोई नहीं लिखवा रहा आपसे, सिर्फ समझाने के लिए आपको, लेकिन एक्चुअल में आंसर क्वेश्चन क्या आएगा समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? तो आपका जो होमवर्क है ऑब्जेक्टिव शीट नंबर जो आज मिली है, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 2 नहीं करनी है आपने, 2 आपको मुश्किल लगेगी, मैं करवाऊंगा, आपने ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 3 करनी है। पहला क्वेश्चन हो सकता है आपसे ना हो, थोड़ा ट्रिकी है, बाकी सारे आपने ट्राई करने हैं। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 3 के बाकी क्वेश्चन ट्राई करने हैं, और जो ऑनलाइन लोग हैं मुझसे पीडीएफ मंगवा लें, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, आप प्लीज़ ट्राई करना, राइट? ठीक है, ट्राई करके आना है।